यामिनी तुरंत पूछती है, कैसा वचन बाबा? रज्जन कहता है, पहले तू मुझे वचन दे बेटी। यामिनी सोचने लग जाती है वो क्या करे। वो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि उसके बाबा उससे क्या वचन मांगने वाले थे। यामिनी को वचन देने से कतराते हुए देख रज्जन कहता है, तू अपने बाबा को वचन देने में इतना संकोच कर रही है बेटी, क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता? यामिनी नर्म आंखों से कहती है, आप ऐसा मत बोलिए बाबा, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। यामिनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और चट्टान से सटे उसके बाबा के सीधे हाथ को पकड़ते हुए कहती है, बाबा मैं आपको हर वचन देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे जो मांगना चाहे मांग सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगी। रज्जन की आवाज सुनाई देती है, तो फिर तू मुझे वचन दे कि तू अब इस जगह तभी आएगी जब तुझे तेरा शरीर मिल जाएगा और साथ ही तेरे अभिशाप से मुक्ति भी। यामिनी बौखलाहट के साथ कहती है, पर बाबा। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रज्जन बोल पड़ता है, पर वर कुछ नहीं बेटी, मुझे वचन दे, मुझे वचन दे। यहाँ से जाने के बाद तेरे सामने कई मुसीबतें आएंगी, ऐसे कई सवाल तेरे सामने आएंगे जिनके जवाब तुझे मुझसे चाहिए होंगे, पर उन सारी मुसीबतों से सामना तुझे अकेले करना है, उन सारे सवालों के जवाब तुझे अकेले ढूंढना है। यामिनी फिर अपनी बात दोहराते हुए कहती है, पर बाबा। रज्जन फिर यामिनी को टोकते हुए कहता है, वचन दे बेटी अपने बाबा को, वचन दे। यामिनी ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, मैं आपको वचन देती हूँ बाबा कि अब मैं यहाँ पर तभी आऊंगी जब मुझे मेरा शरीर मिलेगा और इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी, उससे पहले मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगी, मैं आपको वचन देती हूँ बाबा। गिरती हुई गुफा के अंदर मैं आपको वचन देती हूँ, यही आवाजें गूंजने लग जाती हैं और यामिनी अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त यामिनी शालिनी के शरीर के अंदर थी और कमरे के अंदर बार बार आगे पीछे टहल रही थी। उसके कानों में अभी भी उसके बाबा को वचन देने की आवाज गूंज रही थी, मैं आपको वचन देती हूँ बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ। शालिनी के कानों में बार बार ये आवाज गूंजी रही थी कि तभी उसे डायना की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, ये तुमने ठीक नहीं किया शालिनी। जैसे ही शालिनी को डायना की आवाज सुनाई देती है, शालिनी तुरंत पीछे पलटती है और वो देखती है कि दरवाजे पर डायना खड़ी हुई थी, जिसने अपनी बिल्ली लूसी को अपने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ था। डायना बार बार लूसी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी पीठ को सहला रही थी। डायना शालिनी को घूरते हुए उससे गुस्से से कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया शालिनी। शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या ठीक नहीं किया डायना, तुम ठीक से बताओगी, तुम्हारी बातें मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही। डायना अपनी बिल्ली की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने मेरी लूसी के साथ कल रात क्या किया था? शालिनी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, ये डायना को कैसे पता चला कि कल रात कोठी से बाहर निकलने के लिए मैंने इसकी बिल्ली के साथ कुछ किया था? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि कल रात मैंने इसकी बिल्ली पर निंद्राय मंत्र फूका था ताकि इसकी बिल्ली गहरी नींद में सो जाए और मैं कोठी से बाहर जा सकूं। शालिनी को चुप खड़े हुए देख डायना फिर उस पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बोलो शालिनी, तुमने मेरी लूसी के साथ क्या किया था कल रात? शालिनी अनजान बनते हुए अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैंने किया था, क्या किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया। डायना तुरंत पलट कर कहती है, झूठ मत बोलो शालिनी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कल रात जरूर तुमने मेरी लूसी के साथ कुछ किया था। आंखें देखो इस बेचारी की, अभी तक इसमें नींद समाई हुई है, सुबह से रह रहकर बार बार सो रही है। शालिनी डायना को अपनी बात मनवाते हुए कहती है, डायना एक बात बताओ, ये बिल्ली तुम्हारी ही है ना या फिर किसी और की है? डायना लूसी को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो शालिनी, तो मेरी लूसी मेरे जन्म से ही मेरे साथ है। शालिनी डायना को घूरते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है? पर ये कैसे हो सकता है, बिल्ली की उम्र ज्यादा नहीं होती, वो ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल तक जिंदा रह पाती है, फिर तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे जन्म से अब तक साथ में कैसे है? डायना शालिनी से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, तुम बात को मत घुमाओ शालिनी, सीधे सीधे ये बताओ तुमने मेरी लूसी के साथ क्या किया था? शालिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी बिल्ली के साथ कुछ नहीं किया डायना, समझी, तुम्हें शायद पता नहीं है ये बिल्लियां बड़ी आलसी होती हैं, इन्हें सोना बहुत पसंद होता है, हो सकता है उसी वजह से सो रही हो। डायना पलट कर कहती है, शालिनी मेरी लूसी बिल्ली है, कोई भालू नहीं जो दिन भर सोए, पता नहीं क्या हुआ है इसे, ये इतना कभी नहीं सोई जितना सुबह से बैठे बैठे सो रही है। शालिनी कहती है, डायना ये नॉर्मल बात है, तुम इतनी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। डायना गुस्से से कहती है, ये इतनी सी बात नहीं है शालिनी, मेरे लिए मेरी लूसी ही मेरी सब कुछ है, समझी तुम,
ये सुबह मुझे तुम्हारे कमरे के बाहर ही सोई हुई मिली थी। जरूर तुमने ही इसे खाने पीने में कुछ मिलाकर दिया होगा, तभी ये दिन भर से सो रही है। डायना की बातें सुनकर शालिनी को गुस्सा आने लग जाता है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और झट से कहती है, हाँ मैंने ही इसे खाने में कुछ मिलाकर दिया था, क्या करोगी तुम मेरा? अगर तुम्हें तुम्हारी बिल्ली से इतना ही प्यार है तो उसे अपने साथ लेकर सोया करो। पर तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों सोगी? तुम तो कल किसी और के साथ सो रही थी ना, और चाहती थी कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, तभी इसे मेरे कमरे के सामने लाकर रख दिया। डायना समझ गई थी कि शालिनी का इशारा किस तरफ था। डायना शालिनी को समझाते हुए कहती है, देखो शालिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा इरादा युग के कमरे में सोने का बिल्कुल नहीं था, वो तो बस कहानी सुनते सुनते कब। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शालिनी उसे फिर टोकते हुए कहती है, मुझे अच्छे से पता है डायना कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ कि तुम मेरे युगजी से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? युगजी सिर्फ मेरे हैं। डायना भी अपना आपा खो बैठती है और शालिनी की आंखों में देखते हुए कहती है, युग तुम्हारा बिल्कुल नहीं है शालिनी। जैसे ही शालिनी डायना के मुंह से ये बात सुनती है, एक पल के लिए वो खामोश हो जाती है। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, युग कभी किसी का नहीं हो सकता और तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। डायना की बात सीधे शालिनी के दिल पर लग रही थी और वो चाहते हुए भी उसकी बातों का पलट कर कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। डायना अपनी बात दोहराते हुए कहती है, युग तुम्हारा कभी नहीं हो सकता शालिनी, कभी नहीं। शालिनी पलट कर कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु वहां पर आ जाता है। अभिमन्यु कमरे के अंदर घुसते से ही कहता है, तुम दोनों में से किसी ने मेरी सिगरेट ली क्या? अभिमन्यु का सवाल सुनकर शालिनी और डायना दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और उसे एक टक नजर से घूरते रहते हैं। उन दोनों को जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु उनसे ऐसा सवाल पूछेगा। अभिमन्यु ने अपने हाथ में सिगरेट का पैकेट पकड़कर रखा हुआ था, जो कि खुला हुआ था और साफ दिख रहा था कि उसके अंदर 3 सिगरेट रखी हुई थी। अभिमन्यु अपना सवाल दोहराते हुए कहता है, अरे तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, तुमने मेरी सिगरेट ली क्या? शालिनी अभिमन्यु को एक टक नजर से देखते हुए कहती है, तुम्हें लगता है अभिमन्यु कि मैं सिगरेट पीती होंगी? अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, लगता तो नहीं है, पर इंसान का क्या भरोसा कब बदल जाए। जब तुम आधी रात में वो भी भारी बारिश में घूमने जा सकती हो तो क्या सिगरेट नहीं पी सकती हो? हो सकता है मूड बन गया हो और मेरे पैकेट में से निकाल ली हो तुमने। शालिनी अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहती है, अभिमन्यु मैंने तुमसे कल ही रात बोल दिया था, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमन्यु अपनी बात पर बने रहते हुए कहता है, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ शालिनी, मैं सीरियस हूँ। कुछ दिनों से पता नहीं मेरी सिगरेट कहाँ जा रही है, रात को जब सोता हूँ तब तो रहती है, पर सुबह उठते से कभी उसमें से 2 तो कभी 3 सिगरेट गायब रहती है, पता नहीं कौन चोरी करके पी रहा है। शालिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, तो अभिमन्यु तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी सिगरेट चोरी करके पी रही हूँ? अभिमन्यु शालिनी को समझाते हुए कहता है, नहीं शालिनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस पूछ रहा था। अब तुम ही बताओ, युग तो बेचारा सुपारी तक नहीं खाता, तो उसके सिगरेट पीने का तो सवाल ही नहीं उठता। और रही कायर और कछुए की बात, तो वो कल रात यहाँ पर थे ही नहीं। अब बची तुम और डायना, कल रात हम चारों ही तो थे ना ग्रेवयार्ड कोठी में, तो मैं तुम दोनों से नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? कल रात भी मेरे पैकेट में से सिगरेट गायब हुई है। डायना खामोशी से अभिमन्यु और शालिनी की सारी बातें सुन रही थी, बीच में बिल्कुल दखल नहीं दे रही थी। अभिमन्यु तुरंत डायना की तरफ अपनी नजरें करता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए पूछता है, डायना कहीं तुमने तो मेरी सिगरेट नहीं पी? डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु मैंने ही पी है तुम्हारी सिगरेट। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, अभिमन्यु शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, तुम सिगरेट पीती हो डायना? पहले तो डायना बड़ी ही मासूमियत के साथ अभिमन्यु को घूरती रहती है, पर अगले ही पल बड़े प्यार से बोलती है, पीती तो नहीं हूं अभी, पर तुम अपने हाथों से पिलाओगे तो पी लूंगी। डायना की मुस्कान देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि डायना उससे मजाक कर रही थी। अभिमन्यु डायना की बात का जवाब देते हुए कहता है, रहने दो डायना, लड़कियों के होठों पर सिगरेट नहीं लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। डायना भी तुरंत पलट कर कहती है, अभी और लड़कों के मुंह में भी सिगरेट नहीं बिस्कुट अच्छी लगती है, बेहतर होगा छोड़ दो, बुरी आदत है सिगरेट पीना। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, आदतें सब बुरी ही होती हैं डायना। डायना पलट कर कुछ कहती है उससे पहले ही वहां पर युग आ जाता है। युग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठकर आया था। युग कमरे के अंदर आते से ही कहता है, ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, कितना हल्ला करते हो, ठीक से सोने भी नहीं देते। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, तू और कितना सोएगा युग, रात को भी गहरी नींद में था और आज दोपहर भर सोया है, अब तो नींद को भी कुछ देर आराम करने दे।
डायना युग को देखते हुए कहती है, लगता है युग भी मेरी लूसी की तरह हो गया है, वो भी आज बहुत सो रही है। डायना शालिनी को टोंट मारते हुए कहती है, कहीं शालिनी तुमने युग को भी कुछ खिला पिला तो नहीं दिया। शालिनी डायना को गुस्से से घूरते हुए कहती है, डायना तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अभिमन्यु ने कमरे के अंदर घुसने से पहले ही डायना और शालिनी की सारी बातें सुन ली थी। वो जानता था उन दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस हो रही थी, इसलिए अभिमन्यु बीच में दखल देते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो ये सब बहुत अजीब है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या अजीब है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, यही युग के सबसे पहले तो तेरे वो हाथ के दो निशान, फिर तेरा इतना सोना, साथ में डायना की बिल्ली का भी, और तो और ऊपर से मेरी सिगरेट भी गायब हो रही है। कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है इस ग्रेवयार्ड कोठी में, कुछ ऐसा जो हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। युग अपना सिर खुजाते रहता है, उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। पर अभिमन्यु की बातें सुनकर शालिनी अच्छे से समझ गई थी कि अभिमन्यु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, वो किस ओर संकेत दे रहा था। कहीं अभिमन्यु और ज्यादा दिमाग ना चला ले, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाते हुए कहती है, हो सकता है ये सब यक्षिणी कर रही हो, आखिर इस ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी तो रहती है ना। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, सिर्फ यक्षिणी नहीं शालिनी, इस ग्रेवयार्ड कोठी में उसके अलावा और कोई भी रहता है। शालिनी डायना को घूरते हुए पूछती है, कोई और से तुम्हारा क्या मतलब है डायना, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अभिमन्यु भी शालिनी के पीछे पीछे हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछ बैठता है, क्या कहा डायना तुमने, ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी के अलावा भी कोई और रहता है, कौन रहता है? शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं डायना को भी उस काले साए के बारे में तो नहीं पता। डायना कुछ कहती उससे पहले ही कमरे के अंदर की लाइट बार बार बंद चालू होने लग जाती है, जिस कारण कमरे के अंदर कभी रोशनी हो रही थी तो कभी अंधेरा, कभी अभिमन्यु को शालिनी दिखाई दे रही थी तो कभी नहीं। लाइट बार बार बंद चालू हो ही रही थी तभी अभिमन्यु को ऐसा लगता है जैसे डायना के पीछे कोई खड़ा है। अभिमन्यु को डायना के पीछे एक काली परछाई नजर आ रही थी, जिसे देखते से ही साफ समझ आ रहा था कि वो परछाई किसी आदमी की थी। पहली बार अभिमन्यु किसी परछाई को देखकर डरने लग गया था। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, डायना तुम्हारे पीछे। डायना तुरंत पूछती है, मेरे पीछे क्या अभिमन्यु? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, वो तुम्हारे पीछे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, वो तुम्हारे पीछे। अभिमन्यु इसके आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही वो देखता है कि डायना के पीछे जो काला साया खड़ा हुआ था वो उसके नजदीक आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काला साया डायना को मारने के लिए उसके पास आ रहा था। वो काला साया डायना के पास पहुंच पाता उससे पहले ही अभिमन्यु अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डायना को अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण डायना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे उसके सीने से जाकर टकरा जाती है। डायना अपने दोनों हाथों से अभिमन्यु को पकड़ लेती है। युग इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहता है, क्या हुआ अभिमन्यु, तूने डायना को इस तरह? इतना बोलकर युग खुद ही चुप हो जाता है, उसे ऑकवर्ड लगने लग जाता है। अभिमन्यु सामने देखता है पर अब उसे कोई काला साया दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु अपने सामने की खाली दीवार को देखते हुए कहता है, वो डायना के पीछे। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है, उसके समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले उसने जो देखा था वो उसका कोई वहम था या हकीकत। कमरे के अंदर की लाइट अभी भी बार बार बंद चालू हो रही थी। डायना को अभिमन्यु की बॉडी का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था। वो अभी भी अभिमन्यु की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी। उसे अभिमन्यु से एक अपनापन सा लग रहा था। डायना अभिमन्यु के कानों में धीरे से कहती है, अभी तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारे नजदीक आ सकूं? तुम अंधेरे का फायदा उठा रहे हो ना? नजदीक ही आना था तो बोल देते, ऐसे डरने की क्या जरूरत थी? मैं तो एक पल के लिए तुम्हें देखकर घबराई गई थी। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, अभिमन्यु तुरंत डायना को अपनी बॉडी से दूर कर देता है। अभिमन्यु डायना को समझाते हुए कहता है, देखो डायना, तुम मुझे गलत समझ रही हो, वो मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो तो तुम्हारे पीछे। अभिमन्यु अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक तेज हवा का झोंका आता है।
वो हवा का झोंका इतना तेज था कि कमरे के अंदर लगी खिड़की के कांच टूट जाते हैं। कांच टूटकर कमरे के अंदर चारों तरफ बिखर जाते हैं। पर गनीमत इस बात की थी कि किसी को भी खरोंच नहीं आई थी, जैसे कमरे के अंदर पहले से ही कोई अदृश्य सुरक्षा कवच बना हो। युग फर्श पर पड़े टूटे कांच के टुकड़ों को देखते हुए कहता है, ये सब हो क्या रहा है? पहले कमरे की लाइट और अब ये? हवा के झोंके अभी भी खिड़की से कमरे के अंदर आ रहे थे। अभिमन्यु कहता है, लगता है कोई तूफान आने वाला है। शालिनी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहती है, तूफान आने वाला नहीं है, बल्कि तूफान आ चुका है, वो देखो। जब युग, अभिमन्यु और डायना खिड़की से बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि बाहर जोरों से हवा चल रही थी। पत्तों का ढेर हवा में उड़ रहा था, जैसे आंधी आ रही हो। आसमान में काले बादलों का डेरा था जो जोरों से गरज रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो कुछ ही पल में बरसने वाले हैं। युग खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, लगता है आज रात खूब बारिश होने वाली है। हमें सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए, वरना सारा कचरा अंदर आ जाएगा तूफान से। इतना कहकर युग कमरे से बाहर निकल जाता है। युग के पीछे ही अभिमन्यु भी ग्रेवयार्ड कोठी के खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए निकल जाता है। उनके जाते ही शालिनी मन ही मन सोचती है, ये तूफान तो दिखाई दे रहा है, पर उस तूफान का क्या जो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर छुपा बैठा है? मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मुझे पहले अपना शरीर ढूंढना है। बस एक बार मुझे मेरा शरीर मिल जाए, फिर मैं सबको देख लूंगी, इस डायना और अभिमन्यु को भी। रात हो चुकी थी, ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। युग, शालिनी, डायना और अभिमन्यु अभी कुछ देर पहले ही खाना खाकर हॉल में बैठे हुए थे। बादल इतने जोर से बरस रहे थे कि उसके गरजने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर तक सुनाई दे रही थी। सभी लोग बैठे ही हुए थे कि तभी डायना के दिमाग में कायर और कछुए का ख्याल आता है और वो तुरंत अभिमन्यु से पूछ बैठती है, अभी ये कायर और कछुआ कहाँ है? कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए। तुमने कहा था कि किसी कार्यक्रम में गए हैं, ऐसे कैसे कार्यक्रम में चले गए ये दोनों कि अभी तक खत्म ही नहीं हुआ? अभिमन्यु डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो क्या है ना डायना, कार्यक्रम तो कल रात में ही खत्म हो गया था और आज ये दोनों शाम तक आने वाले थे, पर वो बारिश होने लगी थी ना, तो उसी वजह से नहीं आए। कायर का फोन आया था मेरे पास, कह रहा था कल सुबह तक आ जाएंगे दोनों। मैं तुम लोगों को ये बात बताने वाला था, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया। शालिनी समझ जाती है कि डायना ने अभिमन्यु से ये बात क्यों पूछी थी। वो युग और उसके दोस्तों से हमदर्दी जताकर युग के सामने अच्छा बनना चाहती थी। शालिनी तुरंत अपनी भवे ऊपर करते हुए डायना से बोल पड़ती है, वैसे तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है डायना कायर और कछुए की। डायना भी अपनी भवे ऊपर करते हुए जवाब देती है, कैसे नहीं होगी, आखिर वो अब मेरे भी तो दोस्त हैं। दोस्त दोस्त की फिक्र नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? शालिनी और डायना की आपस में तूतू मैं हो रही थी कि तभी अभिमन्यु नोटिस करता है कि युग एकदम खामोश बैठा हुआ था। उसकी नजरें आज सुबह से ही उसके हाथ की कलाई पर जो आग का निशान बना हुआ था उस पर टिकी हुई थी। वो बार बार अपना दूसरा हाथ उसी निशान पर फेरे जा रहा था। अभिमन्यु युग के कंधों पर हाथ रखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ युग, अभी भी तेरे हाथ में जलन हो रही है क्या? क्या ये दर्द कर रहा है? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं यार, अब हाथ जलन नहीं कर रहा है, ना ही कोई दर्द हो रहा है। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, फिर ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा है, कुछ परेशान सा लग रहा है। युग जवाब देता है, परेशान कैसे नहीं हो अभिमन्यु, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तुझे पता है ना, मैं यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता लगाने वाला था, उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने वाला था, पर अभी तक तो मैं उसके अभिशाप के बारे में ही पता नहीं लगा पाया हूँ, तो फिर उसे मुक्ति दिलाने की बात तो बहुत दूर की है। डायना हड़बड़ाहट के साथ बीच में दखल देते हुए कहती है, युग तुम यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति क्यों दिलाना चाहते हो? डायना की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहती थी कि यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति मिले। युग तुरंत कहता है, क्यों दिलाना चाहते हो उसे, तुम्हारा क्या मतलब है डायना? कैसे नहीं दिलाऊं, तुम्हें शायद पता नहीं है यक्षिणी कौन है। यक्षिणी मेरी यामिनी है, वो यामिनी जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। डायना शालिनी की तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम यामिनी से प्यार करते हो युग, तो फिर ये शालिनी कौन है, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? बिंदु बता रही थी कि कॉलेज में तुम इसी से प्यार करते थे। युग खामोश रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। शालिनी भी चुप ही खड़ी हुई थी। एक पल के लिए मन में वो डायना को पहली बार धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि डायना ने युग से वही सवाल पूछ लिया था जो कभी शालिनी के शरीर में मौजूद यामिनी युग से पूछना चाहती थी।
पर कभी मौका ही नहीं बन पा रहा था सवाल पूछने का, ना ही उसकी हिम्मत हो पा रही थी। वो चाहती तो अपने मंत्रों की शक्ति से पूछ सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। प्यार होता ही ऐसा है, जहां पर कोई जादू काम नहीं करता है, और जहां प्यार होता है वहां पर किसी जादू की जरूरत ही नहीं होती है। डायना फिर युग पर दबाव बनाते हुए उससे पूछती है, बोलो युग, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम शालिनी से प्यार नहीं करते? युग डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सच कहूं डायना, मुझे तो लगता है जैसे मुझे शालिनी से कभी प्यार था ही नहीं, बस एक अट्रैक्शन था जो वक्त के साथ खत्म हो गया। प्यार का असली मतलब तो यामिनी ने मुझे सिखाया है, उसने मेरे दिल को प्यार का एहसास कराया है, वो प्यार जो मेरी जिंदगी की सांसें थमने के बाद भी कभी खत्म नहीं होगा। शालिनी खामोशी के साथ युग की बातें सुनते जा रही थी। युग की बातें सुनकर उसकी भी आंखें नम हो गई थी। युग के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर उसका मन भर आया था। डायना युग की आंखों में देखते हुए कहती है, युग, अगर यक्षिणी का अभिशाप खत्म करने के लिए तुम्हें मरना पड़ा तो? युग अपने गले से नीचे घूंट उतारते हुए कहता है, तो फिर मैं उसके लिए भी तैयार हूं। जैसे ही युग ये बात बोलता है, शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं युग जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। जैसे ही शालिनी हड़बड़ाहट के साथ ये बात बोलती है, युग, डायना और अभिमन्यु तीनों एक टक नजर से शालिनी की तरफ देखने लग जाते हैं। डायना हंसते हुए कहती है, कंट्रोल शालिनी, कंट्रोल, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम ही यक्षिणी हो जिसको अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए युग को मरना पड़ेगा। शालिनी का मन तो चाह रहा था कि वो अभी डायना की जुबान खींच ले, पर युग और अभिमन्यु को वहां पर देखकर वो चुप रहना ही बेहतर समझती है। युग मायूस होते हुए खुद से कहता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं, ना ही मैं उस रात यामिनी की मदद कर पाया था, ना ही आगे कर पाऊंगा, मैं बस एक बेबस लाचार इंसान हूं। शालिनी युग को समझाते हुए कहती है, नहीं युग जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप बहुत बहादुर हैं, आप बिल्कुल लाचार नहीं हैं। युग अपनी कलाई पर बने निशानों को देखते हुए कहता है, नहीं शालिनी, मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ, मैं तो खुद अपने आप की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, यक्षिणी की कैसे मदद करूंगा, मैं खुद यहाँ इन निशानों में उलझा हुआ हूँ, पता नहीं किस चीज के हैं ये निशान, क्या मतलब है इनका। शालिनी पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही अभिमन्यु बीच में दखल देते हुए कहता है, युग तू फिक्र मत कर, देखना मैं जल्द ही इन निशानों के बारे में पता लगा लूंगा, मैंने बाकी सब निशानों के बारे में पता लगा लिया है, इनके बारे में भी जल्द पता चल जाएगा। शालिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, बाकी सब निशानों के बारे में भी पता कर लिया है, मतलब और कौन से निशान के बारे में पता किया है तुमने अभिमन्यु? अभिमन्यु बात को घुमाते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि जब मैं युग के निशानों के बारे में पता कर रहा था तो मुझे कुछ और निशान के बारे में भी पता चला है, सामुद्रिक शास्त्र की वजह से। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा, सामुद्रिक शास्त्र, ये क्या है? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तुझे सामुद्रिक शास्त्र के बारे में नहीं पता क्या? युग कहता है, नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूं, क्या होता है ये? अभिमन्यु जवाब देता है, देख मैं बताता हूं, सामुद्रिक शास्त्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद मोटे तौर पर शरीर की विशेषताओं के ज्ञान के रूप में किया जाता है। ये अक्सर वैदिक ज्योतिष में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ज्योतिष और हस्तरेखा समुद्रिका शास्त्र से संबंधित है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति के शरीर का हर छोटा बड़ा निशान उसके व्यक्तित्व के कई राज बताता है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर होने वाले कई प्रकार के चिन्हों के बारे में बताया गया है। चेहरे को पढ़ने, हस्तरेखा को पढ़ने, आभा को पढ़ने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। इस ग्रंथ को समुद्र ऋषि द्वारा प्रचारित किया गया था, इसलिए इस ग्रंथ को सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। सभी लोग गौर से अभिमन्यु की बातें सुन रहे थे। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, समुद्र शास्त्र के अनुसार इंसान के शरीर पर हर निशान का कुछ न कुछ अर्थ होता है, जो उसके व्यक्तित्व और आने वाले भविष्य को लेकर कई बातें बताता है। इंसान के शरीर पर कई प्रकार के निशान होते हैं, जिनमें तिल, मस्सा, लहसुन, भंवर आदि हैं। युग अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, क्या कहा तूने, लहसुन, ये कैसा निशान है? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, लहसुन शरीर पर अलग रंग का उभरा हुआ निशान होता है, इन्हें त्वचा से अलग रंग के लिए पहचाना जाता है, हालांकि ये निशान बेहद ही कम लोगों के शरीर पर होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर ऐसा निशान होने वाले लोग बहुत लकी होते हैं।
अभी अभिमन्यु अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी डायना बीच में बोल पड़ती है, और ये भंवर क्या होता है अभी? अभिमन्यु जवाब देता है, भंवर के बारे में समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि ये सिर के बालों के मध्य में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों के सिर के ऊपर बिल्कुल सामने के बालों में भी भंवर पड़ते हैं। कहा यह भी जाता है कि ये शरीर में ज्यादा बाल होने पर अन्य स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मसा, लहसुन और भंवर, ये चार प्रकार के चिन्ह न केवल शरीर से संबंध रखते हैं बल्कि भाग्य से भी संबंध रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन लड़कों के शरीर के दाहिने हिस्से पर ये चारों चिन्ह होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। इसके अलावा अगर किसी लड़की के बाएं हिस्से में ये चारों चिन्ह होते हैं तो वो भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है, क्या था वो, क्या लिखा था सामुद्रिक शास्त्र में? हाँ, याद आया, तिल चक्री लहसुन मसा होई दाहिने अंग, जाहि बसे बन खंड में तौ लक्ष्मी संग। युग मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या बोला तुमने? अभिमन्यु जवाब देता है, मतलब ये कि सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के दाहिने भाग में तिल, भंवर, मसा और लहसुन का चिन्ह होता है वो व्यक्ति चाहे जंगल में जाकर क्यों न बस जाए, लक्ष्मी का साथ वहां भी उसके साथ रहता है। डायना और शालिनी बड़े ही गौर से अभिमन्यु की बातें सुन रही थी। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जन्म से ही व्यक्ति के शरीर पर जो निशान होते हैं उसे बर्थ मार्क कहते हैं। ये बर्थ मार्क अलग अलग प्रकार और रंगों के होते हैं। कई बर्थ मार्क इंसान के लिए सौभाग्यशाली होते हैं तो कई दुर्भाग्यशाली। एक रिसर्च स्टडी में सामने आया है कि लोगों के शरीर पर जो निशान जन्म से बने होते हैं वो उनके पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। युग अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, मतलब ये जो मेरी कलाई पर निशान है ये मेरे पूर्व जन्म से संबंध रखता है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, मतलब ये जो मेरी कलाई पर निशान है ये मेरे पूर्व जन्म से संबंध रखता है? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, अभी तुम ये कहना चाहते हो कि युग का पूर्व जन्म हुआ है? अभिमन्यु युग और डायना दोनों को ही टोकते हुए कहता है, तुम दोनों पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, बात पूरी हुई नहीं कि लगे हो बीच में सवाल पूछने में। डायना और युग दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब ये था कि एक स्टडी के दौरान सामने आया है कि जिनकी बॉडी पर जन्म से ही निशान होते हैं वो या तो उनके पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं या फिर उनके पूर्वजों से। युग फिर बोल पड़ता है, मतलब तो ये कहना चाहता है ये निशान मेरे पूर्वजों यानी वंशजों की निशानी है? अभिमन्यु कुछ असमंजस में फंसते हुए कहता है, यार मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। युग मुंह बनाते हुए कहता है, पूरी तरह श्योर नहीं है से क्या मतलब है तेरा? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, मतलब ये युग कि तेरा केस बहुत अजीब है। लोगों के जन्म से उनके शरीर पर निशान होते हैं तो वो उनके वंश या फिर पूर्व जन्म से संबंध रखता है, पर तुझे पता है ना ये निशान तेरे जन्म से तेरे साथ नहीं है बल्कि अभी अभी बने हैं जब से तू यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी आया है। और ये तेरा पानी की बूंद वाला निशान ये तो कुछ दिन पहले ही बना है, वो भी सोते सोते। नींद में निशान बनना ये बहुत अजीब है। युग खुद से बड़बड़ाता है, अजीब नहीं बहुत ही ज्यादा अजीब है अभिमन्यु। शालिनी कुछ सोचते हुए अभिमन्यु से पूछती है, अभिमन्यु तुमने कहा था कि हमारी बॉडी पर जो निशान होते हैं वो या तो सौभाग्यशाली होते हैं या फिर दुर्भाग्यशाली, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि ये निशान युग के लिए सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली? अभिमन्यु शालिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, शालिनी इस सवाल का जवाब मैं ज्यादा अच्छे से तभी दे पाता जब मुझे इस निशान के बारे में कुछ पता होता, मैं बस अभी अंदाजे से बता सकता हूँ। शालिनी तुरंत बोल पड़ती है, तो फिर अंदाजे से ही बता दो। अभिमन्यु जवाब देते हुए कहता है, कहते हैं कि जिन लोगों के माथे पर दाई तरफ बर्थ मार्क होता है वो लोग बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं, और यदि वही माथे के बाई ओर मौजूद निशान बताता है कि आप बहुत खर्चीले हैं, हमेशा खर्चा करने की सोचते हैं, माथे के बीच में मौजूद निशान बताता है कि आपकी जिंदगी प्रेम भरी रहेगी। शालिनी अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, अभिमन्यु शायद तुम भूल रहे हो, युग के माथे पर निशान नहीं है बल्कि उसकी कलाई पर निशान है और तुम माथे के बारे में बता रहे हो। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है,
शालिनी, मुझे पता है युग की कलाई पर निशान है, पर मैं एकदम से कलाई के निशान के बारे में कैसे बता सकता हूँ? मुझे याद भी तो करना पड़ेगा। शालिनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, याद करना पड़ेगा मतलब? अभिमन्यु शालिनी को अच्छे से समझाते हुए कहता है, याद करना पड़ेगा मतलब कि मैंने सारे निशान के बारे में एक पैटर्न में याद किया है, और वो पैटर्न है बॉडी के ऊपर पार्ट से नीचे के पार्ट में आना। डायना बीच में दखल देते हुए कहती है, अच्छा तो तुमने सारी चीजें एक पैटर्न में याद करी हैं? तभी तो सोचूं मैं कि तुम्हें इतनी सारी चीजें याद कैसे रहती हैं। मैं तो इतनी सारी चीजें कभी याद ना रख पाऊं। युग कहता है, इसकी पुरानी आदत है सब चीजें एक पैटर्न में याद रखता है, ताकि चीजों को कभी भूले ना। अभिमन्यु निशानों के बारे में आगे बताते हुए कहता है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की नाक पर बर्थमार्क होता है वो बहुत क्रिएटिव और यूनिक सोच वाले होते हैं। जिन लोगों के गालों पर बर्थमार्क होता है वो बहुत जुनूनी और कामुक होते हैं, और जिन लोगों के मसूड़ों पर बर्थमार्क होता है उन लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त रहता है। जिन लोगों के मुंह के आसपास बर्थमार्क होता है वो बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, साथ ही वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। ऐसे लोगों को पैसों की कमी नहीं होती है। इतना कहकर अभिमन्यु एक लंबी आह भरता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, जिन लोगों के बाएं कंधे पर बर्थ मार्क होता है माना जाता है उन्हें जिंदगी में हमेशा परेशानियां मिलती रहती हैं। वहीं अगर बर्थ मार्क दाएं कंधे पर है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। अभिमन्यु शालिनी और डायना से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, जिन लड़के लड़कियों के बाएं स्तन के नीचे बर्थ मार्क होता है तो इसका मतलब उन्हें हमेशा सफलता मिलेगी और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होता है। दाएं स्तन के नीचे बर्थ मार्क बताता है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। वहीं सीने के बीच में बने निशान को लेकर माना जाता है कि इससे आप अच्छे भाग्य के मालिक होते हैं। अभिमन्यु जैसे ही अपनी बात पूरी करता है, शालिनी बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, युग जी आपके भी सीने के एकदम बीचों बीच दिल का निशान है ना, मतलब आप अपने भाग्य के खुद मालिक हैं। युग को जवाब देता उससे पहले ही डायना शालिनी को घूरते हुए कहती है, शालिनी तुम्हें कैसे पता कि युग के सीने के बीच में तिल है? तुमने कब उसका सीना देख लिया? शालिनी अपने कहे पर पछतावा करने लग जाती है और मन ही मन यामिनी की आवाज में सोचने लग जाती है, मैं ये बार बार क्यों भूल जाती हूँ कि मैं अभी यामिनी नहीं शालिनी हूँ, उसके शरीर के अंदर हूँ। डायना अपनी भवें ऊपर करते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए फिर शालिनी से पूछती है, बोलो शालिनी तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें कैसे पता कि युग के सीने? इतना कहकर डायना चुप हो जाती है। शालिनी जल्दी से कोई सा बहाना ढूंढती है और तुरंत बोल पड़ती है, वो क्या है ना, एक बार गलती से मैं युगजी के कमरे में तब पहुंच गई थी जब वो कपड़े चेंज कर रहे थे, उसी वक्त मैंने वो तिल देख लिया था। डायना मुस्कुराते हुए कहती है, बड़ी तेज नजरें हैं शालिनी तुम्हारी, इतना सा तिल एक सेकंड में देख लिया। बात और ना बढ़े इसलिए युग बीच में दखल देते हुए कहता है, अभिमन्यु मुझे ना तेरे ये सामुद्रिक शास्त्र पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तूने कहा जिसके सीने के बीच में तिल होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली समझता हूँ। मेरी जॉब थी वो चली गई, मैंने स्टार्टअप करने की कोशिश करी वो बर्बाद हो गया, और यहाँ तक कि यामिनी भी मुझसे दूर हो गई। तू ही बता मैं कैसे भाग्यशाली हुआ, हुआ ना ये तेरा सामुद्रिक शास्त्र गलत? अभिमन्यु युग से नजरें मिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं युग, तू गलत है। तेरी जॉब गई नहीं बल्कि तूने छोड़ी थी, और स्टार्टअप बर्बाद हुआ नहीं किया गया था बल्कि उस यक्षिणी ने किया था, उसने बांस में आग लगाई थी। और तुझे पता है तू सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, जानना चाहता है कैसे? युग दबी आवाज में पूछता है, कैसे? अभिमन्यु जवाब देता है, ये बात तुझे भी पता है और पूरे गांव वालों को भी कि आज तक यक्षिणी के साथ जिसने भी संभोग किया, संभोग करने के बाद यक्षिणी ने उसे मार दिया, पर तू अभी तक जिंदा है तो हुआ ना तू भाग्यशाली। वरना तू ही बता पूरे गांव में कोई भी ऐसा मर्द है जिसने यक्षिणी के साथ संभोग किया हो और वो जिंदा हो? अभिमन्यु के जवाब ने युग की बोलती बंद कर दी थी। जब युग पलटकर कुछ नहीं कहता तो अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के पेट पर जन्म से कोई निशान होता है वो बहुत लालची होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिन लोगों के हाथों की उंगलियों पर कोई निशान होता है वो आजाद जिंदगी जीने वाले होते हैं, किसी पर निर्भर रहना उन्हें पसंद नहीं होता है। डायना हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, और जिन लोगों की चींटी उंगली पर निशान होता है वो? जैसे ही डायना ये बात पूछती है अभिमन्यु चुप हो जाता है।
डायना अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बोलो अभी तुम चुप क्यों हो गए? डायना अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, वो लोग जिनकी चींटी उंगली पर कोई निशान होता है उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है और ना ही खुद पर विश्वास होता है। शालिनी तुरंत पूछती है, तो फिर उन्हें किस पर विश्वास होता है अभिमन्यु? अभिमन्यु जवाब देता है, उन्हें काली शक्तियों पर विश्वास होता है। वो तंत्र मंत्र यानी काले जादू पर ज्यादा विश्वास करते हैं और अक्सर उसी के अनुयायी बनते हैं। जैसे ही अभिमन्यु अपनी बात खत्म करता है, डायना अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की उंगलियों को कवर करने लग जाती है। डायना अपनी उंगलियों को पूरी तरह कवर कर पाती उससे पहले ही शालिनी की नजर डायना की चींटी उंगली पर पड़ जाती है और वो देखती है कि उसकी चींटी उंगली पर एक बड़ा सा मसा बना हुआ था। शालिनी तुरंत बोल पड़ती है, ये क्या डायना, तुम्हारी चींटी उंगली पर तो मसा बना हुआ है, इसका मतलब तुम काला जादू करती हो? डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, शालिनी तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? इस तरह तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ, तुम मुझे बदनाम मत करो, मैं भला काला जादू क्यों करूंगी, मुझे काला जादू करने की क्या जरूरत है? इतना कहकर डायना गुस्से के साथ शालिनी को घूरने लग जाती है। कोई कुछ रिएक्ट करता या पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही डायना फिर बोल पड़ती है, युग तुम ठीक बोल रहे थे, ये अभिमन्यु है ना कुछ भी बोल रहा है, पता नहीं कौन सी किताब पढ़कर आया है, मुझे भी इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। अभिमन्यु अपनी भवे ऊपर करते हुए कहता है, डायना मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, समझी तुम? शालिनी डायना की बातों को इग्नोर मारते हुए कहती है, अभिमन्यु तुम इस डायना को छोड़ो और युगजी की कलाई के निशान के बारे में बताओ, अब तो तुम उंगलियों तक पहुंच गए हो तो फिर कलाई के निशान के बारे में भी याद आ गया होगा तुम्हें। अभिमन्यु युग की कलाई को देखते हुए कहता है, हाँ बता रहा हूँ शालिनी, सब्र करो थोड़ा, याद करने दो। अभिमन्यु याद करते हुए कहता है, हाँ याद आया, कहते हैं कि जिसके हाथ की कलाई पर बर्थ मार्क होता है वो उसके लिए तो सौभाग्यशाली होता है पर औरों के लिए दुर्भाग्यशाली। शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, खुद के लिए सौभाग्यशाली औरों के लिए दुर्भाग्यशाली, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो अभिमन्यु, मैं कुछ समझी नहीं। अभिमन्यु शालिनी को समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है शालिनी कि युग की कलाई में जो निशान है वो उसके लिए तो सौभाग्यशाली है पर उसके आसपास रहने वालों के लिए दुर्भाग्यशाली। युग खुद से बड़बड़ाता है, ये क्या बोल रहा है तू, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही डायना फिर बीच में दखल देते हुए खुश होते हुए कहती है, वैसे देखा जाए तो अभिमन्यु की ये बात मुझे अब ठीक लग रही है, हम लोग खुद ही देख सकते हैं युग के आसपास रहने वाले कितने अनलकी हैं, अनलकी क्या बेरोजगार हैं, न कायर कुछ करता है न कछुआ। और रही बात अभिमन्यु की तो वो भी अपनी पैरानॉर्मल संस्था छोड़कर यहाँ पर आकर ठहरा हुआ है, पता नहीं क्यों बेचारी शालिनी ने भी यहाँ पर आकर अपनी याददाश्त खो दी, तो हुए ना युग के आसपास रहने वाले अनलकी। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये डायना आखिर हम सबके बारे में इतना सब कैसे जानती है, इतनी सारी बातें इसे बिंदु ने बताई है या फिर कहीं और से पता चली है। डायना अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, और रही युग की बात वो तो हम देख ही सकते हैं कि वो कितना लकी है, अभी अभिमन्यु ने ही तो बताया था कि युग क्यों लकी है, आखिर एक वही मर्द तो है जिसने यक्षिणी के साथ। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु जानबूझकर खांसने लग जाता है और डायना अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है, वो खुद चुप हो जाती है। अभिमन्यु खांसने के बाद तुरंत बोल पड़ता है, युग मैंने तुझे अभी जो भी बोला ना उसे तू ज्यादा सीरियसली मत लेना, वो क्या है ना मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ इस निशान के बारे में, क्योंकि हम तब तक किसी बर्थ मार्क के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि वो बर्थ मार्क किस चीज का है, और हमें तो तेरे बर्थ मार्क के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि वो किस चीज का है और किस ओर संकेत करता है। जैसे ही अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता है हॉल के अंदर खामोशी छा जाती है, कोई कुछ नहीं कहता है। युग अपनी जगह से उठता है और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। उसके जाते ही डायना कहती है, ये युग को क्या हो गया अचानक से? शालिनी जवाब देती है, शायद नींद आ रही होगी। इतना कहकर शालिनी भी अपनी जगह पर से उठती है और अपने कमरे की तरफ जाने लग जाती है। शालिनी के जाते ही अभिमन्यु भी सोफे से उठते हुए कहता है, मैं भी सोने जाता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जगह पर से उठा ही था कि तभी डायना उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से बैठाते हुए कहती है, 2 मिनट अभी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अभिमन्यु डायना को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, हाँ बोलो डायना, क्या पूछना चाहती हो तुम? डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है,
पहले तुम वादा करो कि जो मैं पूछूंगी उसका तुम सच सच जवाब दोगे। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, डायना ये तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या पूछना है तुम्हें, सीधे सीधे पूछो ना, ऐसे बातें क्या घुमा रही हो। डायना अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, बातें नहीं घुमा रही हूँ अभी, बस पहले तुम वादा करो कि जो पूछूंगी उसका सच सच जवाब दोगे। इतना कहकर डायना अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अभिमन्यु उसकी हथेली को देखते रहता है, उस पर हाथ नहीं रखता है। डायना अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहती है, अभी वादा करो। डायना के हाव भाव देखकर अभिमन्यु समझ गया था कि डायना उससे कोई ना कोई जरूरी बात तो जरूर पूछने वाली थी, और अभिमन्यु भी जानना चाहता था कि आखिर डायना के मन में क्या चल रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख देता है। डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, वादा। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, वादा। डायना तुरंत पूछती है, क्या तुमने यक्षिणी यानी कि यामिनी को देखा था उस रात युग के साथ संभोग करते हुए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। डायना तुरंत पूछती है, क्या तुमने यक्षिणी यानी कि यामिनी को देखा था उस रात युग के साथ संभोग करते हुए। जैसे ही अभिमन्यु डायना का सवाल सुनता है वो एकदम चुप हो जाता है। अभिमन्यु डायना से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, ये कैसा सवाल है डायना। डायना अभिमन्यु के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहती है, अभी तुम उससे नजरें मत फेरो, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, क्या तुमने यक्षिणी को युग के साथ संभोग करते हुए देखा था। अभिमन्यु अभी भी खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। डायना अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहती है, जवाब दो अभी। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं देखा था डायना। डायना अगले ही पल कहती है, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि युग ने यक्षिणी के साथ संभोग किया था। अभिमन्यु पलट कर कहता है, कैसे कह सकते हो, उसे तुम्हारा क्या मतलब है, ये बात खुद युग ने हम सब दोस्तों को बताई थी। डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ ये बात तो बिंदु ने बताई थी मुझे कि युग ने ही तुम्हें उस रात के बारे में बताया था। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए डायना से पूछता है, पर तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो। डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि अभी एक तुम ही हो जो इस बात पर भरोसा करते हो कि युग ने यक्षिणी के साथ संभोग किया था, वरना जब बिंदु ने ये बात मुझे बताई थी तो उसने ये भी बताया था कि कायर कछुआ और वो खुद युग की इन सब बातों पर यकीन नहीं करती है। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, कोई युग की बातों पर यकीन करे या ना करे, पर मैं उस पर यकीन करता हूँ, क्योंकि वो मेरा सच्चा दोस्त है, और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, और मुझे युग पर पूरा यकीन है, उसने आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, ना ही आगे बोलेगा। डायना चुप खड़ी रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। अभिमन्यु झट से कहता है, अब अगर तुम्हारे फालतू सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं सोने जा सकता हूँ। डायना फिर कुछ जवाब नहीं देती है, बस मुंह बनाने लग जाती है। डायना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि डायना का क्या जवाब था। अभिमन्यु सोफे पर से उठता है और वहां से जाने लग जाता है। अभिमन्यु के जाते ही डायना मन ही मन बड़बड़ाती है, युग कितना सच्चा है और कितना झूठा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रात के 4 बज रहे थे और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। अभिमन्यु कमरे के अंदर गहरी नींद में सो रहा था। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, जिस वजह से कमरे के अंदर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु गहरी नींद में सो ही रहा था कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। अभिमन्यु उबासी लेते हुए उठने लग जाता है। जैसे ही वो उठता है अपना हाथ उसके बेड के बगल में रखे टेबल पर फेरने लग जाता है। एक दो बार हाथ फेरने पर ही उसके हाथ में अमेरिकन सिगरेट का पैकेट और ब्लैक लाइटर आ जाता है। जैसे ही अभिमन्यु सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेकर बिस्तर पर से उठ जाता है, सिगरेट की तलब उसे कमरे से बाहर ले जाती है। वो कमरे के जस्ट सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहां से नीचे झांकने पर ग्रेवयार्ड कोठी का हॉल दिखाई दे रहा था। हॉल में भी इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था। अभिमन्यु कमरे के अंदर से निकलते हुए कहता है, ये मेरी नींद बड़ी कच्ची हो गई है, जब देखो खुलते रहती है, अच्छा हुआ सिगरेट है, वरना इसे बिना पिए तो फिर मुझे नींद ही ना आए। ऊपर ये युग कमरे में सिगरेट भी नहीं पीने देता, जिसके कारण बाहर आकर पीना पड़ता है। अभिमन्यु महसूस करता है कि ग्रेवयार्ड कोठी में आज पहले से ज्यादा खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी में आसपास अपनी नजरें दौड़ाते हुए खुद से बड़बड़ाता है,
आज ये ग्रेवयार्ड कोठी कितनी खामोश नजर आ रही है, पर मुझे पता है इस खामोशी के पीछे कई राज छुपे हैं। पर मैं सारे राज एक ना एक दिन खुद इस ग्रेवयार्ड कोठी के मुंह से उगलवा लूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु सिगरेट का पैकेट खोलने लग जाता है। जैसे ही वो सिगरेट का पैकेट ओपन करता है वो शॉक्ड रह जाता है। अभिमन्यु सिगरेट के पैकेट के अंदर देखते हुए कहता है, ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है इसमें 3 सिगरेट थी, जिसमें से सोने से पहले मैंने 1 पी ली थी, फिर बाकी की 2 सिगरेट कहाँ चले गए? अभिमन्यु के हाथ में सिगरेट का जो पैकेट था वो पूरी तरह खाली था, उसके अंदर एक भी सिगरेट नहीं थी। अभिमन्यु अपनी सिगरेट के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, कहीं सिगरेट चोरी तो नहीं हो गई जैसे कुछ दिनों से हो रही है? पर इतनी जल्दी कोई कैसे सिगरेट चुरा सकता है? अभी 4-5 घंटे पहले ही तो सोया था मैं, आखिर सिगरेट चुराई तो किसने चुराई? कोठी में ऐसा कौन नशेड़ी आ गया जो मेरी सिगरेट चुरा रहा है? अभिमन्यु ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त उसे खटपट की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो खटपट की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जो खामोशी छाई हुई थी उसे तोड़ रही थी। अभिमन्यु उस आवाज को सुनते हुए खुद से कहता है, ये कैसी आवाज थी? अभिमन्यु उस आवाज को गौर से सुनने लग जाता है और उसे महसूस होता है कि वो खटपट की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई टाइपराइटर में लगातार कुछ टाइप कर रहा हो। अभिमन्यु खुद कहता है, ये इतनी रात में टाइपराइटर कौन यूज कर रहा है? जितना मुझे पता है टाइप करना कोठी में किसी को नहीं आता, फिर कौन टाइप कर सकता है? जब अभिमन्यु टाइपराइटर की आवाज को गौर से सुनता है तो देखता है कि टाइपराइटर की आवाज रूम नंबर 666 से आ रही थी। रूम नंबर 666 के आसपास सबसे ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था। अभिमन्यु ने रूम नंबर 666 के पास जाने के लिए अभी अपना एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि तभी उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है, वो अपने कदम पीछे खींच लेता है और उस कमरे की तरफ जाने लगता है जहां पर उसने एकास्त्र बनाने की पोटली रखी हुई थी। अभिमन्यु कुछ ही देर में उस कमरे से बाहर आ जाता है और वापस से रूम नंबर 666 के पास जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो रूम नंबर 666 के पास अपने कदम बढ़ा रहा था, उसे उस चीज की स्मेल आने लग जाती है जिसे वो बहुत अच्छी तरह पहचानता था। अभिमन्यु उस स्मेल को सूंघते हुए कहता है, ये तो सिगरेट की धुएं की स्मेल है, इसका मतलब ये है कि जिसने मेरी सिगरेट चोरी की है वो रूम नंबर 666 में है और इस वक्त वो मेरी सिगरेट का लुत्फ उठा रहा है। आज मैं सिगरेट चोर को नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर अभिमन्यु जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। जब वो रूम नंबर 666 के पास पहुंचता है तो देखता है कि उस कमरे का दरवाजा टिका हुआ था और उस दरवाजे के एकदम बीचों बीच में से सिगरेट का धुआं बाहर आ रहा था। दरवाजा बीच में से हल्का सा खुला हुआ था। अभिमन्यु उसी जगह में से कमरे के अंदर झांकने लग जाता है। जैसे ही उसकी नजर कमरे के अंदर पड़ती है वो अकबकाहट के साथ झट से पीछे हट जाता है। कमरे के अंदर झांक कर वो इतना डर गया था कि वो तुरंत नीचे गिर गया था। अभिमन्यु के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ठंडा मौसम होने के बावजूद भी उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभिमन्यु जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है, अपने माथे पर का पसीना पोंछता है और फिर बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के बीच में जो गैप था उसमें से कमरे के अंदर झांकने लग जाता है। उस हल्की सी खुली जगह में वो बस ये देख पाता है कि कमरे में रखे टेबल के पास कुर्सी पर किसी आदमी का काला साया दिखाई दे रहा था, जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसके एक हाथ में सिगरेट थी जिसके वो कश खींचे जा रहा था और दूसरा हाथ टाइपराइटर पर था जिससे वो टाइप किए जा रहा था। उस साये को देखकर अभिमन्यु दंग रह गया था। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने वो काला साया था जिसकी बात कायर ने उसके सामने करी थी। अभिमन्यु उस काले साये को देखकर हक्का बक्का रह गया था। अभिमन्यु को उस काले साये का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस काले साये को अच्छे से देखने के लिए अभिमन्यु अपनी आंख दरवाजे के और पास ले जाता है और कमरे के अंदर झांकने लग जाता है। अभिमन्यु अपने पैरों के तलवों पर खड़ा होकर कमरे के अंदर झांक ही रहा था कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और दरवाजा करकराते हुए खुल जाता है। दरवाजा खुलने के साथ ही अभिमन्यु झट से कमरे के अंदर जाकर गिर जाता है। जब अभिमन्यु अपने आप को संभालता है और वापस खड़ा होकर टेबल की तरफ अपनी नजरें करता है तो देखता है कि कुर्सी पर कोई और नहीं युग बैठा हुआ था, जो कि एक हाथ से सिगरेट के कश खींच रहा था तो दूसरे हाथ से टाइप कर रहा था।
टेबल पर ही लैंप रखा हुआ था जो जल रहा था। अभिमन्यु मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो युग है, पर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कुर्सी पर कोई काला साया बैठा था। अभिमन्यु ने इतना सोचा ही था कि तभी उसकी नजर टेबल लैंप पर पड़ती है, जिसकी पीली रोशनी सिर्फ टेबल पर बिखर रही थी। वो देखता है कि कमरे में एक वही जगह थी जहां पर रोशनी थी, वरना कमरा पूरी तरह अंधेरे से लिप्त था। अभिमन्यु लैंप को देखते हुए खुद से कहता है, शायद अंधेरे की वजह से हो, वैसे भी उस जगह से कहां अच्छे से कमरे के अंदर कुछ दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु ये देखकर हैरान था कि युग लगातार सिगरेट के कश खींचे जा रहा था, और वो ऐसे कश खींच रहा था जैसे वो उसमें एक्सपर्ट हो। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, ये युग कब से सिगरेट पीने लग गया, इसे तो सिगरेट के धुएं से भी नफरत थी, और अब देखो कैसे कश खींचे जा रहा है। युग एक लंबा सा कश खींचता है, उसके धुएं को अपनी नाक से बाहर निकालता है और उस जलती हुई सिगरेट को एस्ट्रे में रखता है, और फिर दोनों हाथों से लगातार टाइप करने लग जाता है। धड़ाधड़ टाइपराइटर पर टाइप होने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अभिमन्यु युग को देखकर शॉक्ड रह गया था, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। युग टाइप करने में इतना मदहोश था कि उसे तो ये बात भी अभी तक पता नहीं थी कि अभिमन्यु कमरे के अंदर आ चुका था और इस वक्त उसके पीछे खड़ा हुआ है। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, ये युग सिर्फ सिगरेट पीने में एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि टाइप करने में भी एक्सपर्ट बन गया है। ऐसे टाइप कर रहा है जैसे काफी सालों से कर रहा हो, ये रात ही रात में इतना कमाल कैसे हो गया। अभिमन्यु युग को टोकते हुए कहता है, युग, ओ युग। युग अभिमन्यु की बात का पलट कर कुछ जवाब नहीं देता है, वो टाइप करते रहता है। उसका पूरा ध्यान इस वक्त टाइप करने में था। अभिमन्यु पीछे से ही युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे युग सुन तो, क्या लिख रहा है तू, वो भी इतनी रात को, तुझे नींद नहीं आ रही क्या। युग अभिमन्यु के किसी सवाल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ टाइप किए जा रहा था। अभिमन्यु फिर कहता है, अरे युग मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या, क्या लिख रहा है तू। युग टाइप करते हुए ही भारी आवाज में कहता है, तू जा यहां से। एक पल के लिए तो अभिमन्यु को भी यकीन नहीं होता कि वो युग की आवाज थी, पर अगले ही पल वो सोचता है कि हो सकता है कि सिगरेट पीने की वजह से उसकी आवाज भारी हो गई हो। अभिमन्यु बेबाक होकर कहता है, हाँ चले जाऊंगा, पर पहले ये तो बता दे कि इतनी रात को तू यहाँ बैठकर क्या टाइप कर रहा है। युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा जा यहां से। जब युग अपनी वही बात दोहराता है तो अभिमन्यु वो पढ़ने की कोशिश करने लग जाता है जिसे युग ने इतनी देर में टाइपराइटर पर टाइप किया था। छोटे अक्षर होने के कारण अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि युग ने क्या टाइप किया था, पर वो पूरा पेज भरा हुआ था। अभिमन्यु समझ जाता है कि युग क्या टाइप कर सकता है। अभिमन्यु उन पेजेस पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहता है, तू कोई सी कहानी लिख रहा है क्या। युग अपनी वही बात दोहराते हुए गुस्से के साथ कहता है, तूने सुना नहीं क्या मैंने जो कहा, मैंने कहा तू जा यहां से। अभिमन्यु फिर कहता है, हाँ चले जाऊंगा, पर तू बता तो सही कि तू लिख क्या रहा है। युग अभिमन्यु को गुस्से से भरी निगाहों से घूरते हुए कहता है, मैंने कहा तू जा यहां से। अभिमन्यु ने युग को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठकर जो टाइप कर रहा था वो युग था। अभिमन्यु युग को उकसाते हुए कहता है, अगर मैं यहां से नहीं जाऊं तो। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, युग की आंखें गुस्से से लाल होने लग जाती हैं। वो टाइप करना बंद कर देता है और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लग जाता है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, युग की आंखें गुस्से से लाल होने लग जाती हैं। वो टाइप करना बंद करता है और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लग जाता है। युग गुर्राते हुए कहता है, तो तू नहीं जाएगा। अभिमन्यु ने आज से पहले युग को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि उसके सामने जो शख्स बैठा हुआ था वो युग था। युग गुस्से से अभिमन्यु को घूरे जा रहा था। युग की लाल आंखें देखकर अभिमन्यु को युग और शालिनी के बीच का किस्सा याद आने लग जाता है। उसे याद आता है कि इसी कमरे में युग किताब पढ़ रहा था और शालिनी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। उसी चक्कर में युग और शालिनी के बीच झगड़ा हो गया था। अभिमन्यु समझ गया था कि वो भी युग को एक तरह से कहानी लिखने में परेशान ही कर रहा था, और अभिमन्यु ये बात अच्छे से जानता था कि युग को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई काम करते वक्त उसे डिस्टर्ब करे।
इसलिए बिना जवाब जाने ही अभिमन्यु उस कमरे से जाने का फैसला कर लेता है। अभिमन्यु खुद से कहता है, ठीक है तुझे नहीं बताना कि तू क्या लिख रहा है तो मत बता, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। तू चाहता है ना मैं यहाँ से चले जाऊँ, तो ठीक है मैं जाता हूँ। अभिमन्यु वहां से जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि टेबल पर रखी एशट्रे में अभी भी सिगरेट जल रही थी, जो युग ने आधी जली ही छोड़ दी थी, जो शायद वो बाद में पीने वाला था। अभिमन्यु झट से उस आधी सिगरेट को उठा लेता है। अभिमन्यु सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, इतना ही सही मिली तो सही, लगता है आज रात इसी से काम चलाना पड़ेगा तभी नींद आएगी। यही सब बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु कमरे से बाहर निकल जाता है। सुबह हो गई थी, अभिमन्यु उठ चुका था और वो मंटो की किताब पढ़ रहा था और उसी के बगल में युग सो रहा था। अभिमन्यु कमरे के अंदर बैठकर किताब पढ़ ही रहा था कि तभी उस कमरे में शालिनी आ जाती है, जिसने अपने हाथ में चाय की ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें दो कप रखे हुए थे। जब शालिनी देखती है कि युग अभी तक सो रहा है तो वो हैरानी के साथ कहती है, ये क्या युग जी तो अभी तक सो रहे हैं। अभिमन्यु किताब में से अपनी नजरें हटाते हुए शालिनी को देखते हुए कहता है, सोएगा कैसे, नहीं रात भर कहानी जो लिख रहा था। शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा क्या कहा अभिमन्यु तुमने, युग जी कहानी लिख रहे थे, तुम होश में तो हो या अभी तक नींद में ही हो। अभिमन्यु शालिनी की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही कमरे के अंदर डायना आ जाती है और जब वो देखती है कि अभिमन्यु ने मंटो की किताब अपने हाथ में पकड़ी हुई थी तो वो हंसते हुए कहती है, अभी तुम कब से मंटो पढ़ने लग गए। अभिमन्यु किताब के पेज पलटते हुए कहता है, तभी से जब से युग ने कहानियां लिखना शुरू कर दिया है, जरा मैं भी तो देखूं कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि जिसे पढ़कर युग ने कहानियां लिखना शुरू कर दिया। डायना भी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा युग कहानी लिखता है, कुछ भी मत बोलो अभी। अभिमन्यु जवाब देता है, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ डायना, सच बोल रहा हूँ। शालिनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, मजाक मत करो अभिमन्यु, तुम फिर से मजाक कर रहे हो ना। अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं शालिनी मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। शालिनी अभिमन्यु की बात पर कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही युग करवट बदलने लग जाता है और करवट बदलते हुए ही उसकी नींद खुल जाती है। युग जैसे ही उठकर बैठता है अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ उससे पूछता है, क्यों युग हो गई नींद पूरी। युग उबासी लेते हुए कहता है, हाँ यार हो गई। अभिमन्यु अगला सवाल युग पर दाग देता है, तो चल अब बता कल रात टाइपराइटर पर क्या टाइप कर रहा था तू। युग अनजान बनते हुए कहता है, मैं क्या टाइप कर रहा था, मैं तो कुछ टाइप नहीं कर रहा था। अभिमन्यु युग पर थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, झूठ मत बोल युग, मुझे अच्छे से याद है तू आधी रात में टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रहा था और जब मैंने तुझसे पूछा कि क्या टाइप कर रहे हैं तो तू मुझे गुस्से से घूरने लग गया और वहां से भगाने लग गया, कहने लगा जा यहां से। जैसे ही अभिमन्यु युग को रात की बात के बारे में बताता है उसे रात का वाक्य याद आने लग जाता है। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ याद आया, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू ही तो रात में परेशान करने आया था कहानी लिखते वक्त। शालिनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, युग जी आप कहानी लिख रहे थे, कौन सी कहानी लिख रहे थे आप। युग शालिनी की बात का जवाब देना छोड़कर अपने सिरहाने को उठाता है और उसके अंदर से 4-5 सफेद पेज निकालने लग जाता है जिसमें कुछ टाइप किया हुआ था। युग शालिनी को वो पेजेस दिखाते हुए कहता है, ये वाली कहानी लिख रहा था मैं। अभिमन्यु युग के हाथ से वो पेजेस छीनते हुए कहता है, ये पेजेस तकिए के नीचे क्यों छुपा कर रखे थे तूने। युग जवाब देता है, मैंने छुपा कर नहीं रखे थे बल्कि महसूस करने के लिए रखे थे। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, महसूस करने के लिए रखे थे से तेरा क्या मतलब है। युग कहता है, मतलब ये कि कहते हैं कि अगर आपको किसी कहानी को महसूस करना है तो उस कहानी की किताब को अपने सिरहाने के नीचे रख दो और फिर सो जाओ, उस वक्त जो आपको सपना आएगा वो उस कहानी से जुड़ा हुआ आएगा और आप अपने आप को कहानी में पाओगे। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, ये बात किसने कह दी तुझसे। युग तुरंत बोल पड़ता है, किसी ने कही नहीं बल्कि मैंने ऐसा करते हुए देखा है। अभिमन्यु पूछता है, किसे देख लिया तूने ऐसा करते हुए। युग कुछ उदासी के साथ जवाब देता है, पापा को, बचपन में मैंने पापा को ऐसा करते हुए देखा था, वो अक्सर देर रात तक कहानियां लिखा करते थे और कहानियां लिखने के बाद उसे अपने सिरहाने में रख दिया करते थे और जब सुबह उठते थे तो माँ से कहते थे कि आज मैंने सपने में अपनी कहानी के किरदार से बात करी थी।
युग की बात सुनकर अभिमन्यु और शालिनी दोनों खामोश हो जाते हैं। डायना बीच में दखल देते हुए कहती है, अभी युग ने जो कहानी लिखी है उसे पढ़ोगे भी या बस अपने हाथ में पकड़ कर रखोगे? अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो लाओ मुझे दे दो, मैं पढ़ती हूँ। अभिमन्यु डायना को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं डायना, मैं पढ़ता हूँ ना, तुम क्यों तकलीफ करती हो। इतना कहकर अभिमन्यु कहानी की हेडिंग मन में पढ़ने लगा और कहानी की हेडिंग पढ़कर हैरानी के साथ युग से पूछता है, ये क्या, इसमें तो तूने हेडिंग भक्षानर दी है, इसका मतलब इसमें तूने भक्षानर की कहानी लिखी है। युग अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहता है, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है, अब जाहिर सी बात है कहानी की जो हेडिंग होगी कहानी भी उसी के बारे में होगी। शालिनी बौखलाहट के साथ कहती है, अभिमन्यु तुम ये बातें करना बंद करो और जल्दी से कहानी पढ़ना शुरू करो। शालिनी बहुत एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि युग ने भक्षानर के बारे में क्या लिखा था। अभिमन्यु कहानी पढ़ते हुए कहता है, ये कहानी है भक्षानर की, उस भक्षानर की जिसका पुराणों में ग्रंथों में कोई अस्तित्व नहीं मिलता कि उसका जन्म कैसे हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि उसका जन्म ही संसार के अस्तित्व को मिटाने के लिए हुआ था, और जिसका जन्म संसार के अस्तित्व को मिटाने के लिए हुआ हो उसका जिक्र कहीं नहीं होना चाहिए, पर मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूँ। उस भक्षानर की कहानी लिखने जा रहा हूँ जो कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसकी कहानी हर कोई जाने, क्योंकि उसकी कहानी के बिना यक्षिणी की कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। इतना पढ़कर ही अभिमन्यु एकदम चुप हो जाता है और एक टक नजर से युग को देखने लग जाता है। युग कुछ कहता उससे पहले ही शालिनी स्क्रिप्ट पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहती है, आगे पढ़ो अभिमन्यु। शालिनी के कहने पर अभिमन्यु आगे पढ़ना शुरू करते हुए कहता है, भक्षानर जिसका एक ही स्वप्न था और वो स्वप्न था समस्त लोकों पर राज। ब्रह्मांड में जितने भी लोक थे वो उन सभी लोकों पर राज करना चाहता था, वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। उसी की चाह में उसने असुरों राक्षसों पिशाचों डायनों के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया था। अभिमन्यु ने इतना पढ़ा ही था कि स्क्रिप्ट से नजरें हटाते हुए वो युग से पूछता है, 2 मिनट युग, ये बात तो कछुए की दादी ने उस दिन हमें बताई थी ना, जब वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, कहीं तूने इसमें वही पूरी कहानी तो नहीं लिख दी जो उस दिन उन्होंने हमें सुनाई थी। युग अभिमन्यु की बात से इनकार करते हुए कहता है, अभिमन्यु उस दिन जो कछुए की दादी ने हमें कहानी सुनाई थी वो कहानी उन्होंने शुरू से तो सुनाई थी, पर उसके बाद वो सीधे वहां पर पहुंच गई थी जब भक्षानर ने यक्षिणी को बुलाया था, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि भक्षानर की जिंदगी में यक्षिणी के आने से पहले क्या हुआ था। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या हुआ था? युग अपने हाथ से पेजेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो जानने के लिए तू कहानी पढ़, मैंने कहानी में सब लिखा है। अभिमन्यु 2-3 लाइनों को छोड़ आगे पढ़ते हुए कहता है, महादेव ने स्वर्ग लोक को नष्ट कर दिया था और अपनी जान बचाने के लिए कुछ भक्षानर पृथ्वी लोक पर आ गए थे, पर बहुत कम ही भक्षानर जीवित बच पाए थे। पृथ्वी लोक पर आने के बाद भक्षानर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, वो कमजोर हो चुके थे, ना खाने के लिए मांस मिल रहा था और ना ही पीने के लिए खून। उसी वक्त एक भक्षानर जो कि काला झाड़ी जंगल के पास घायल अवस्था में था अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था, वो महाडायन को मिला। महाडायन जो कि डायनों की रानी थी, लेकिन उसके कुरूप रूप के कारण कोई भी पुरुष उससे प्रेम नहीं करता था। उस वक्त महाडायन अपने सच्चे प्रेम की तलाश में निकली थी। महाडायन ने ही भक्षानर की मदद की और पृथ्वी लोक पर भक्षानर को एक नया जीवन दिया था। भक्षानर के लिए ही मांस और खून की पूर्ति के लिए महाडायन ने इंसानों के शिकार करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो उससे प्रेम करने लग गई थी। जब भक्षानर ने अपनी आंखें खोली तो उसकी पहली नजर महाडायन के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके गले में लटक रहे हरे हीरे पर पड़ी जिसमें उसकी शक्तियां समाहित थी। भक्षानर जानता था अगर वो हरा हीरा उसके हाथ लग गया तो वो पृथ्वी लोक पर आसानी से जीवित रह सकता है, वहां पर अपना वंश बढ़ा सकता है, इसलिए उसने हीरे पाने की लालसा में महाडायन से प्रेम प्रसंग किया, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। महाडायन इस तरह भक्षानर के प्रेम जाल में फंस चुकी थी कि उसने भक्षानर से शादी कर ली और शादी करने के बाद खुद अपने हाथों से अपना हरा हीरा भक्षानर को दे दिया, जिस कारण आसानी से हीरे की सारी शक्तियां भक्षानर को मिल गईं। उस हरे हीरे के कारण ही भक्षानर पृथ्वी लोक पर जीवित रह पाया था, वरना वो कभी जीवित नहीं रह पाता। इतना पढ़कर अभिमन्यु एक लंबी आह भरता है और फिर से पढ़ना जारी रखते हुए कहता है, हरे हीरे से भक्षानर को शक्तियां तो मिल गई थी,
पर उससे वो अपने अंदर की वासना नहीं मिटा पा रहा था। वो जब कभी महाडायन के साथ रतिक्रिया करने जाता था, उसे उसके बदन में से गंध आने लग जाती और वो उससे दूर हट जाता। उसके अंदर की तड़प बढ़ती जा रही थी और उस तड़प को मिटाने के लिए ही उसने स्त्रियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। उनसे अपने अंदर की वासना मिटाने लग गया, पर भक्षानर के अंदर की वासना ऐसी थी जो बढ़ते जा रही थी, मिटी नहीं रही थी। पहले भक्षानर का मकसद सिर्फ ये था कि वो स्त्रियों के साथ सोना चाहता था, पर अब उसका मकसद बदल गया था। वो अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने स्त्रियों के शिकार करने के बाद उन्हें जीवित छोड़ना शुरू कर दिया ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। भक्षानर महाडायन के साथ छल करने लग गया। तपस्याएं साधनाएं करने का कहकर वो अलग अलग क्षेत्रों में जाने लग गया, महीनों गायब रहने लग गया। भक्षानर ने कई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसमें से कई जीवित बची तो कई स्त्रियों ने संभोग करने के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। शालिनी और डायना बड़े गौर से अभिमन्यु की बातें सुन रही थी। अभिमन्यु आगे पढ़ता है, भक्षानर के अंदर की तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी वासना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पृथ्वीलोक पर भक्षानर का वंश बढ़ने लग गया था, पर उसके लिए उतना सब काफी नहीं था, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था। उसे दोबारा ज्ञात हो गया था कि उसकी उत्पत्ति समस्त लोकों पर राज करने के लिए हुई थी और उसकी शुरुआत वो पृथ्वीलोक से करना चाहता था। उसके पास शक्ति के रूप में महाडायन का हीरा था, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि सिर्फ उससे वो पृथ्वीलोक पर राज नहीं कर पाएगा, उसे और शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसलिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की साधना की और शुक्राचार्य ने उसे यक्षिणी के बारे में बताया। शुक्राचार्य ने भक्षानर को सिर्फ यक्षिणी की शक्तियों के बारे में ही नहीं, बल्कि सौंदर्य रूप के बारे में भी बताया, जिसे सुनने के बाद भक्षानर ने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो यक्षिणी को पृथ्वीलोक पर बुलाकर रहेगा। उसने यक्षिणी साधना शुरू कर दी। अभिमन्यु कहानी पढ़ना जारी रखता है और कहानी पढ़ते पढ़ते उस हिस्से पर पहुंच जाता है जब यक्षिणी पृथ्वीलोक पर आ चुकी थी और महाडायन उसे अभिशाप दे रही थी। इस तरह युग और उसके दोस्तों को भी यक्षिणी के अभिशाप का पता चल जाता है। जैसे ही अभिमन्यु यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पढ़ता है, वो रुक जाता है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, इसमें तो यक्षिणी के अभिशाप के बारे में लिखा है, तुझे यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कैसे पता चला? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, इसमें तो यक्षिणी के अभिशाप के बारे में लिखा है, तुझे यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कैसे पता चला? युग अभिमन्यु की बात को काटते हुए कहता है, वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ, पहले तू कहानी तो पढ़ पूरी। अभिमन्यु कुछ कह पाता उससे पहले ही डायना हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, अभी आगे पढ़ो, मुझे जानना है कि महाडायन के मरने के बाद क्या हुआ था। शालिनी भी अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये शालिनी और डायना इतनी उतावली क्यों हो रही है, जैसे ये महाडायन और यक्षिणी की नहीं इन दोनों की कहानी हो। युग डायना और शालिनी तीनों के दबाव बनाने पर अभिमन्यु फिर से कहानी पढ़ना शुरू कर देता है। महाडायन यक्षिणी को अभिशाप देती है कि यक्षिणी को हर पूर्णिमा अमावस्या की रात एक नए मर्द के साथ सोना होगा, उसके साथ संभोग करना पड़ेगा और संभोग करने के बाद उसका रक्त पीना होगा। उसके रक्त से ही यक्षिणी को सांसें मिलेगी। जिस तरह उसने महाडायन का दिल तोड़ा, उसी तरह उसे उन मर्दों का दिल खाना होगा। उनके दिल से ही यक्षिणी को उसका यौवन रूप वापस मिलेगा। जिस पूर्णिमा अमावस्या यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें नहीं मारेगी, उस रात वो बूढ़ी और बदसूरत बनती जाएगी, कोई मर्द उसके पास नहीं आएगा। फिर उसे पता चलेगा कि एक कुरूप स्त्री होने का दर्द क्या होता है। जो दर्द महाडायन ने भोगा, वो यक्षिणी को भी भोगना पड़ेगा। यक्षिणी यक्षिणी से एक डायन बनकर रह जाएगी। संभोग करने के बाद भी यक्षिणी की हवस खत्म नहीं होने वाली, वो हवस वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। यक्षिणी कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। कहानी पढ़ते पढ़ते अभिमन्यु उस दौर में चले जाता है जब महाडायन यक्षिणी को अभिशाप दे रही थी। इस वक्त महाडायन ने अपने हाथ में कृकण हथियार पकड़ कर रखा हुआ था। यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी और भक्षानर उसके बगल में खड़ा था। महाडायन कृकण हथियार से अपनी चोटी काटते हुए यक्षिणी से कहती है,
जिस तरह तूने मुझसे मेरा प्यार छीना है उसी तरह तू जीवन भर सच्चे प्यार के लिए तरसते रहेगी। तुझे अपने हाथों से अपने प्यार की सांसें छीननी होगी, उसे मारना होगा। अगर तू मर भी गई तो मरने के बाद भी इसी लोक में भटकती रहेगी। तू एक यक्षिणी से डायन बनकर रह जाएगी। यक्षिणी, एक डायन, ये मेरा अभिशाप है, एक डायन का अभिशाप। इतना कहकर महाडायन अपनी चोटी काट देती है। महाडायन की चोटी झट से रेत पर गिर जाती है और नागिन की तरह रेंगने लग जाती है। चोटी कटते ही महाडायन पीठ के बल रेत पर गिर जाती है। चोटी रेंगते हुए महाडायन की नाभि के पास जाती है और नाभि के अंदर घुसने लग जाती है। देखते ही देखते वो चोटी पूरी तरह उसकी नाभि के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो चोटी गायब होती है, महाडायन का पूरा शरीर एक चोटी के रूप में बदल जाता है और उस चोटी में आग लग जाती है और वो जलने लग जाती है। चोटी का अंत होते ही महाडायन का भी अंत हो जाता है। ये पूरा मंजर देखकर यक्षिणी और भक्षानर दोनों के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। दोनों ही निशब्द हो गए थे, उनकी बोलती बंद हो गई थी। यक्षिणी की आंखें नम हो गई थी। उसकी आंखों का नम होना लाजमी भी था। भले ही सब जाने अनजाने में हुआ हो, पर वो जानती थी कि महाडायन की मौत के पीछे कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। अगर वो पृथ्वी लोक पर आती ही नहीं और ऐसी शर्त भक्षानर के सामने रखती ही नहीं तो शायद महाडायन आज जिंदा होती। वो कभी अपने आप को नहीं मारती। यक्षिणी रोते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया महादेव, ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होना चाहिए था। सब मेरी गलती है, मुझे इस पृथ्वी लोक पर आना ही नहीं चाहिए था। भक्षानर यक्षिणी के पास जाते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो यक्षिणी, तुम्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी बात मानो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। भक्षानर महाडायन के शव की भस्म को देखते हुए कहता है, पूरा दोष इस महाडायन का है, यही गलत वक्त पर आ गई, कमीनी कहीं की। महाडायन के खिलाफ गलत शब्द सुनकर यक्षिणी को गुस्सा आने लग जाता है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लग जाती है, पर वो अपने आप पर नियंत्रण रखती है। यक्षिणी की आंखों में अभी भी आंसू थे। भक्षानर उन आंसुओं को देखते हुए कहता है, तुम रो मत यक्षिणी, तुम रो क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तभी तो मैंने तुम्हें इस लोक में बुलाया था और तुम्हारे लिए अपनी धर्म पत्नी से भी लड़ गया। भक्षानर यक्षिणी को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था, वही प्रेम जाल जिसमें उसने इससे पहले महाडायन को फंसाया था उसका हीरा पाने के लिए, और अब उसी प्रेम जाल में यक्षिणी को फंसाकर उसका ताज हासिल करना चाहता है, ताकि उस ताज की पूरी शक्तियां उसकी हो जाएं और वो समस्त लोकों पर राज कर सके। यक्षिणी ने भक्षानर की आंखों में ताज पाने की तड़प देख ली थी, पर वो अभी भी खामोश थी। उसे महाडायन की मौत का गम था। कहते हैं एक स्त्री का गम एक स्त्री ही समझ सकती है, और वही गम इस वक्त यक्षिणी महसूस कर रही थी। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, ये कमीनी महाडायन तुम्हें अभिशाप नहीं यक्षिणी, बल्कि एक वरदान देकर गई है, इसी लोक में रहने का वरदान। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, ना ही मुझे तुम्हारी फिर से साधना करने की जरूरत है, हम दोनों इसी लोक में रहेंगे एक साथ, एक दूसरे के होकर। यक्षिणी खामोश रहती है। भक्षानर फिर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ यक्षिणी, मेरा यकीन मानो, मुझे तो इस महाडायन से कभी प्रेम था ही नहीं, तुम ही बताओ भला इस कुरूप स्त्री से कोई पुरुष प्रेम कर सकता है क्या, इसके तो मुझे पास जाने में भी गंध आती थी। यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, प्रेम रूप देखकर नहीं किया जाता भक्षानर, गुण देखकर किया जाता है, पर तुम किसी के गुण कैसे देखोगे, तुम्हें तो प्रेम का मतलब ही नहीं पता, प्रेम इंसानों को होता है पर तुम तो इंसान ही नहीं हो, भक्षानर हो तुम, भक्षानर। भक्षानर समझ गया था कि यक्षिणी उसके प्रेम जाल में नहीं फंसने वाली। भक्षानर सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है, सही कहा यक्षिणी तुमने, मैं भक्षानर हूँ और एक असली भक्षानर वही होता है जो कभी प्रेम नहीं करता है, उसे किसी स्त्री से ज्यादा अपने मकसद से प्रेम होता है, और मेरा मकसद है समस्त लोकों पर राज करना, और राज करने के लिए मुझे तुम्हारे ताज की जरूरत है। भक्षानर यक्षिणी के चारों तरफ घूमते हुए उसके ताज को निहारते हुए कहता है, तो तुम बताओ, तुम खुद अपना ताज खुशी खुशी दोगी या फिर तुम्हारी शर्त अभी भी वही है। इतना कहकर भक्षानर अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान लाने लग जाता है। वो यक्षिणी के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारने लग जाता है। यक्षिणी समझ गई थी कि भक्षानर के कहने का क्या मतलब था। भक्षानर यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए तैयार हूँ यक्षिणी, बोलो मेरे साथ संभोग करोगी, और इस बार मैं तुम्हें संतुष्ट करके ही दम भरूंगा।
क्योंकि अब हम दोनों के समागम के वक्त कोई नहीं आने वाला। यक्षिणी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। भक्षानर यक्षिणी को उकसाते हुए फिर बोलता है, बोलो यक्षिणी, क्या तुम तैयार हो? यक्षिणी भी गुस्से के साथ भक्षानर की आंखों में देखते हुए कहती है, तू मुझे संतुष्ट करेगा यक्षिणी को? भक्षानर हामी भरते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। भक्षानर अपने दोनों बाजुएं अगल बगल फैलाते हुए कहता है, ये भक्षानर आज रात यक्षिणी को संतुष्ट करेगा। भक्षानर की हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। यक्षिणी अपनी बात दोहराती है, तू मुझे संतुष्ट करेगा? भक्षानर अपनी नजरें यक्षिणी के वक्ष पर टिकाते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। यक्षिणी डरावनी आवाज में कहती है, तो आ, फिर कर। यक्षिणी ने ये बात ऐसे बोली थी जैसे ये बात यक्षिणी ने नहीं बल्कि उसके अंदर की डायन ने बोली हो। ये सब महाडायन के अभिशाप के कारण हो रहा था। महाडायन के मरते ही उसका अभिशाप यक्षिणी पर हावी होने लग गया था, जिस कारण वो महाडायन के शब्द बोलने लग गई थी और सारी लाज लज्जा भूल गई थी। भक्षानर वापस से यक्षिणी के साथ संभोग करने लग जाता है और उसे संतुष्ट करने की कोशिश करने लग जाता है। भक्षानर काफी वक्त से यक्षिणी के साथ संभोग कर रहा था और उसे संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर यक्षिणी थी कि संतुष्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। यक्षिणी के तन बदन में एक आग लगी हुई थी, एक ऐसी आग जिसे भक्षानर मिटा नहीं पा रहा था। भक्षानर को भी ये महसूस हो गया था कि जिस यक्षिणी के साथ उसने पहले संभोग किया था अब वो ये नहीं थी। अपने अभिशाप के कारण यक्षिणी कोई और ही बन गई थी, एक ऐसी स्त्री जिसकी हवस कभी नहीं मिटने वाली थी। भक्षानर यक्षिणी के ऊपर चढ़ा हुआ था और यक्षिणी के बदन से लिपटकर अपने अंदर की काम वासना को मिटाने की कोशिश कर रहा था। भक्षानर यक्षिणी के साथ संभोग कर ही रहा था कि तभी यक्षिणी के जिस बदन से उसे चमेली की महक आती थी उसमें से उसे सड़े हुए मांस की बदबू आने लग जाती है। वैसी ही बदबू जो उसे तब आती थी जब वो महाडायन के साथ हमबिस्तर होता था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे वो यक्षिणी के साथ नहीं बल्कि महाडायन के साथ संभोग कर रहा हो। उसे यक्षिणी में अपनी पत्नी महाडायन का चेहरा दिखाई देने लग गया था। संभोग करते करते भक्षानर रुक जाता है। यक्षिणी भक्षानर की आंखों में देखते हुए डरावनी आवाज में कहती है, क्या हुआ भक्षानर, थक गया तू? तू तो मुझे संतुष्ट करने वाला था ना, इतनी जल्दी थक गया? भक्षानर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं थका, भक्षानर औरत से कतई नहीं हार सकता। इतना कहकर भक्षानर फिर से संभोग करने की कोशिश करने लग जाता है, पर अगले ही पल वो यक्षिणी के बदन पर ध्वस्त हो जाता है। उसके अंदर की सारी ऊर्जा जा चुकी थी, उसके अंदर अब इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो यक्षिणी के बदन पर से अपना बदन उठा सके। भक्षानर यक्षिणी को संतुष्ट करने में नाकामयाब हो चुका था और ये सब हुआ था महाडायन के अभिशाप देने के कारण। अब यक्षिणी के अंदर सिर्फ यक्षिणी की नहीं बल्कि महाडायन की कामवासना ने भी अपना स्थान बना लिया था, जिस कारण दूसरी बार संभोग करने के बाद भक्षानर यक्षिणी की प्यास नहीं बुझा पाया था। भक्षानर की हांफती हुई आवाज सुनकर यक्षिणी समझ गई थी कि भक्षानर थक चुका था और अब वो उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। यक्षिणी डरावनी आवाज में हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या हुआ भक्षानर, थक गया तू? पर तू तो मुझे संतुष्ट करके ही दम भरने वाला था ना, क्या हुआ तेरे इरादे का? क्या तुझे मेरा ताज नहीं चाहिए? भक्षानर इतना थक गया था कि कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, बस हांफे जा रहा था। यक्षिणी गुस्से से डरावनी आवाज में कहती है, मुझे संतुष्ट कर भक्षानर, यक्षिणी को संतुष्ट कर। भक्षानर फिर पलटकर कुछ नहीं कह पाता है। यक्षिणी भक्षानर के कान में फुसफुसाते हुए कहने लग जाती है, राम रो न राम रो, राम रो न राम रो, राम रो न राम रो। भक्षानर डरते हुए कहता है, ये क्या बोल रही है तू? यक्षिणी कुछ जवाब नहीं देती है, बस फुसफुसाते हुए राम रो न राम रो दोहराना जारी रखती है। यक्षिणी का चेहरा एक बूढ़ी औरत में बदलने लग जाता है। उसके पूरे बदन पर झुर्रियां आने लग जाती है और देखते ही देखते वो पूरी तरह एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं। भक्षानर को यक्षिणी का चेहरा देखकर घिन आने लग जाती है। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है तुझे, तू बूढ़ी कैसे हो सकती है? इसका मतलब मैं इतनी देर से एक बूढ़ी औरत के साथ?
इतना कहकर भक्षानर खुद चुप हो जाता है। यक्षिणी गुस्से के साथ भक्षानर से कहती है, क्या हुआ भक्षानर? अभी तो तूने मुझसे कहा था कि तू मुझसे प्रेम करता है। क्या तू अपनी प्रेमिका को नहीं पहचान पा रहा इस रूप में? ये रूप मुझे तेरी वजह से ही मिला है और अब इस रूप का निवारण भी तेरे से ही होगा। शिकार की शुरुआत तुझसे होगी। भक्षानर डरते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं। यक्षिणी के हाथ के पैने काले नाखून लंबे हो जाते हैं और वो अपना हाथ भक्षानर के सीने पर फेरने लग जाती है। आसमान में घनघोर काला अंधेरा छाया हुआ था और ये प्रतीक था कि आज अमावस्या की रात थी और महाडायन के अभिशाप के अनुसार यक्षिणी को अमावस्या और पूर्णिमा की रात ही मर्दों को अपना शिकार बनाना था और उस शिकार की शुरुआत वो भक्षानर से कर रही थी। यक्षिणी चाकू की तरह पहने अपने नाखून को भक्षानर के सीने के अंदर घुसा देती है। भक्षानर दर्द से कसकर चीखता है, आह! उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे आसमान में गूंजने लग गई थी। भक्षानर के सीने से खून निकलने लग गया था। यक्षिणी के नाखूनों से होते हुए भक्षानर का खून यक्षिणी के शरीर में जाने लग जाता है। उस खून से वो पहले की तरह जवान होने लग गई थी। भक्षानर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, यक्षिणी तुझे क्या लगता है, तू मुझे मार देगी? मैं भक्षानर हूँ भक्षानर, मेरे जैसे कई भक्षानर अब इस पृथ्वी लोक पर हैं। देखना, एक दिन आएगा जब उन्हीं भक्षानर में से कोई भक्षानर तुझे संतुष्ट करेगा और तेरे ताज को छीन लेगा। सारे भक्षानरों का एक ही मकसद है, समस्त लोकों पर राज। ये अंत नहीं, एक शुरुआत है, वो शुरुआत जो तेरी हवस से शुरू हुई है और तेरी हवस पर ही खत्म होगी। मैं मरकर भी जिंदा रहूंगा। भक्षानर कभी नहीं मर सकता, वो समस्त भक्षानर में जीवित रहेगा। जैसे ही भक्षानर ये बात बोलता है, अगले ही पल यक्षिणी भक्षानर का धड़कता हुआ दिल उसके सीने से बाहर खींच लेती है। भक्षानर दर्द से कराहते हुए चीखता है, आह यक्षिणी! सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। भक्षानर दर्द से कराहते हुए चीखता है, आह यक्षिणी! यक्षिणी के हाथ पूरी तरह खून से लथपथ हो गए थे। उसके हाथों में भक्षानर का चिपचिपा धड़कता हुआ दिल था जो कि अभी भी धड़के जा रहा था। यक्षिणी भक्षानर के बदन से उठती है और घाट पर पालकी मारकर बैठ जाती है। उसके बाल खुले हुए थे जो कि तेज हवाओं के साथ उड़े जा रहे थे। यक्षिणी भक्षानर के दिल को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि वो अभी भी धड़के जा रहा था, उसमें अभी भी जान थी। यक्षिणी भक्षानर के दिल को देखते हुए कहती है, ये क्या, ये कैसे संभव है? इसका दिल अभी भी कैसे धड़क रहा है? मुझे इसके दिल की धड़कन रोकनी होगी। यक्षिणी अपनी आंखें बंद करती है और ये ज्ञात करने की कोशिश करने लग जाती है कि वो कैसे भक्षानर के दिल की धड़कन रोक सकती है। कुछ देर बाद ही यक्षिणी अपनी आंखें खोलती है और रेत पर अपने सीधे हाथ की उंगली से आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचने लग जाती है। यक्षिणी जैसे जैसे अपनी उंगली रेत पर फेरे जा रही थी, उसके नाखूनों में से खून निकलते जा रहा था। रेत पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर संकरी सी नाली बनी है जिसके अंदर खून बह रहा है। यक्षिणी ने रेत पर एक गोला बनाया था और उसके अंदर एक स्टार भी बना हुआ था। स्टार के 6 खानों के अंदर 1 से लेकर 6 तक देवनागरी लिपि में गिनती लिखी हुई थी। ये सब करते हुए यक्षिणी की आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी अपने अभिशाप की मजबूरी के कारण उसे ये सब करना पड़ रहा था। जैसे उसके आंसू उसकी आंखों में से निकलकर रेत पर गिरते थे, उसके आंसू चमेली के फूलों में परिवर्तित हो जाते थे। गोले के बाहर चारों तरफ चमेली के फूल जमा हो गए थे। यक्षिणी भक्षानर के दिल को स्टार के एकदम बीचों बीच रख देती है। यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, दीप प्रदानम। यक्षिणी के इतना कहते ही उसके हाथ में एक दीपक आ जाता है। यक्षिणी उस दीपक को भक्षानर के दिल के ऊपर रख देती है। यक्षिणी दीपक को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमामश्रियम, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। यक्षिणी जैसे ही मंत्र पढ़ती है, उसके सामने जो दीपक रखा हुआ था उसकी बाती में आग लग जाती है, वो दीपक जलने लग जाता है।
यक्षिणी मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे यक्षिणी मंत्र पढ़ते जा रही थी, उस दीपक की लौ तेज होते जा रही थी। उस दीपक की लौ इतनी तेज हो जाती है कि आसपास जितने भी चमेली के फूल रखे हुए थे उनमें भी आग लग जाती है। आसपास का पूरा एरिया गर्मी से तपने लग जाता है। वो एरिया इतना तप गया था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उस आग में जल जाए। असल में वो आग दीपक की नहीं, यक्षिणी के अंदर की थी, उस पश्चाताप की आग जिसमें यक्षिणी जल रही थी। वो जानती थी कि उससे गुनाह हुआ था, उसे किसी दूसरी स्त्री के पति के साथ अनजाने में ही सही, लेकिन जिस्मानी संबंध नहीं बनाने चाहिए थे। यक्षिणी को गुस्सा आने लग जाता है। वो आग इतनी बढ़ गई थी कि उस आग की ज्वाला में अब यक्षिणी भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था उसके अंदर खुद यक्षिणी जल रही हो। कुछ देर तक ऐसे ही आग जलती रहती है, पर कुछ समय बाद ही वो आग कम होने लग जाती है और देखते ही देखते वो दीपक बुझ जाता है। यक्षिणी अब यक्षिणी नहीं, बल्कि अभिशाप के कारण वो एक डायन बन गई थी। वो जोर जोर से गुर्राने लग जाती है। उसके अंदर पूरे डायन के गुण आ गए थे। उसके पैने नुकीले दांत बाहर आ गए थे। वो दीपक के नीचे रखे भक्षानर के दिल को उठाती है, उसे अपनी लंबी जुबान से चाटती है और कच कच चबाने लग जाती है। यक्षिणी ने भक्षानर के दिल की आहुति दी थी और अब यही आहुति उसे हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात देनी थी। उसे हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात अलग अलग मर्दों के साथ संभोग करना है और अपने सौंदर्य रूप शक्ति को बनाए रखने के लिए उसके दिल की आहुति देनी है। सदियों तक यही सिलसिला चलता रहा। यक्षिणी किश्नोई नदी के पास भटकती रही और हर अमावस्या और पूर्णिमा को मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती रही। महाडायन के अभिशाप के अनुसार उसकी ये हवस वक्त के साथ बढ़ती रही और वो हवस इतनी बढ़ गई कि लोग उसे हवस की देवी बुलाने लग गए। लेकिन कोई उसकी सच्चाई नहीं जानता था कि क्यों वो मर्दों को अपना शिकार बनाती थी। अगर वो ना होती तो भक्षानर कब का इस संसार को नष्ट कर देता, तब ना ही ये संसार होता और ना लोग। यक्षिणी इंतजार कर रही थी उस शख्स का जो उसकी हवस को मिटा दे, उसे संतुष्ट कर दे, पर वो मर्द उसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। सदियों तक वो उस मर्द का इंतजार करती रही, पर कोई ऐसा मर्द नहीं था जो उसकी हवस मिटा सके। इसी बीच उसका अघोरी से भी सामना हुआ, जिसमें उसने अपना ताज गवा दिया, पर फिर भी उसने मर्दों का शिकार करना नहीं छोड़ा। वो इस पृथ्वी लोक से जाना चाहती थी, पर अभिशाप से मुक्ति पाए बिना नहीं जा सकती थी। शिकार करने के बाद वो घंटों रोती रहती, अपने आप को कोसते रहती, पर उसकी चीखें सुनने वाला कोई ना होता। अपने जीवन के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने जुगनुओं से दोस्ती की। उन जुगनुओं ने उसे रात में अपनी चमक से राह तो दिखाई, पर साथ में शक्तियां भी दी। सदियां बीतती गई और यक्षिणी इंतजार करती रही उस शख्स का जो उसकी हवस को मिटा सके, उसे संतुष्ट कर सके। और फिर एक अमावस्या की रात ऐसी भी आई जब यक्षिणी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी हवस को मिटा दिया, उसे संतुष्ट कर दिया। पर यक्षिणी ने उसे मारा नहीं, क्योंकि यक्षिणी उस शख्स से प्यार कर बैठी थी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि। इतना पढ़कर अभिमन्यु चुप हो जाता है। अभिमन्यु उस दौर से बाहर आ जाता है जब ये सब घटना घटित हुई थी। इस वक्त कमरे के अंदर योग शालिनी और डायना उसके सामने खड़े हुए थे और अभिमन्यु के हाथ में वो कहानी थी जो युग ने लिखी थी। शालिनी और डायना ने बड़े गौर से कहानी सुनी थी। अभिमन्यु के चुप होते ही डायना पूछती है, अभी तुम चुप क्यों हो गए? आगे पढ़ो, आगे बताओ कौन था वो शख्स जिसने यक्षिणी की हवस मिटा दी पर फिर भी उसे मारा नहीं, ये जानते हुए भी कि उसे मारने के बाद वो अपने अभिशाप से मुक्त हो सकती थी और अपने लोक जा सकती थी। अभिमन्यु पेजेस में देखते हुए कहता है, वो शालिनी भी बेसब्री से डायना के पूछे गए सवाल पर अभिमन्यु के जवाब का इंतजार कर रही थी, उसे एकटक देख रही थी। अभिमन्यु पेजेस में देखते हुए आगे कहता है, वो इसके आगे कुछ लिखा नहीं है इसमें, मैं कैसे बता दूं? डायना झट से कहती है, क्या कहा? कुछ लिखा नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आगे कुछ तो हुआ होगा। अभिमन्यु युग की तरफ देखते हुए कहता है, युग ये कहानी तो तूने लिखी है ना, तो तुझे तो पता ही होगा कि कौन था वो शख्स जिसने यक्षिणी को संतुष्ट कर दिया। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए बड़ी ही शराफत से जवाब देता है, मुझे नहीं पता अभिमन्यु। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा तूने? तुझे नहीं पता से तेरा क्या मतलब है? युग पहली बार अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता है से मेरा मतलब है मुझे नहीं पता।
ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु के बार बार यही सवाल पूछने पर युग को गुस्सा आ रहा था, और ये बात अभिमन्यु ने युग की आंखों में देखकर भांप ली थी। अभिमन्यु फिर भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, ये कैसी बातें कर रहा है युग तू? तूने ही कहा था ना कि ये कहानी तूने लिखी है, तो तुझे तो उस शख्स का नाम पता ही होगा ना जिसने यक्षिणी को संतुष्ट कर दिया था। युग भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं इसके आगे लिखने वाला था तो उसी वक्त तू मुझे डिस्टर्ब करने आ गया और मैं भूल गया कि मुझे आगे क्या लिखना था। फिर तेरे जाते ही कुछ देर मैं सोचते रहा, फिर भी दिमाग में कुछ नहीं आया तो मैं सो गया। अभिमन्यु के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो युग की बातों पर यकीन करे या ना करे। अभिमन्यु कुछ देर खामोश रहता है, पर फिर अगले ही पल पूछ बैठता है, चल तुझे उस शख्स का नाम नहीं पता, मान ली तेरी बात, पर ये बता कि तुझे ये कहानी कहां से पता चली। युग अपना वही जवाब दोहराते हुए कहता है, पता नहीं। अभिमन्यु युग की आंखों में देखते हुए बड़ी ही नरमी के साथ कहता है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है युग, अपने दोस्त से? तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? युग अभिमन्यु को अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहता है, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ अभिमन्यु, सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कर। मैं तुझे बताता हूँ कल रात क्या हुआ था। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं रूम नंबर 666 में किताब पढ़ने चला गया था। कब पढ़ते पढ़ते मैं टाइप करने लग गया, मुझे कुछ नहीं पता। अभिमन्यु युग को टोंट मारते हुए गुस्से के साथ कहता है, फिर तो तुझे ये भी नहीं पता होगा कि कल रात तू सिगरेट पी रहा था। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, शालिनी और डायना भी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन दोनों को भी ये बात अच्छे से पता थी कि युग सिगरेट शराब नहीं पीता। युग अभिमन्यु की बात का पलट कर जवाब देता है, ये तो कैसी बातें कर रहा है अभिमन्यु, मैं भला कब से सिगरेट पीने लग गया। अभिमन्यु अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, कल रात से मेरी इन्हीं आंखों ने तुझे सिगरेट पीते हुए देखा था, और तू है कि झूठ बोलने जा रहा है। अभिमन्यु की बातें सुनकर युग को भी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से के साथ कहता है, झूठ मैं नहीं बोल रहा अभिमन्यु, झूठ तू बोल रहा है, तू मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहा है। युग और अभिमन्यु आपस में झगड़ने लग गए थे, और इन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि झगड़ा बढ़ने वाला है। झगड़ा ज्यादा बढ़े उससे पहले ही शालिनी ने बीच में दखल दिया और कहा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, झगड़ क्यों रहे हो? युग शालिनी से कहता है, तुम्हें देखो ना शालिनी, ये अभिमन्यु इतनी सी बात पर मुझसे लड़ रहा है, कहानी ही तो है, लिख दी मैंने, आ गया होगा ख्याल रात में बैठे बैठे, इसे ये बात समझनी चाहिए ये सिर्फ कहानी है, कोई हकीकत नहीं, कि मेरे पीछे इतना पड़ा हुआ है। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहती है, युग जी ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, युग एकदम खामोश हो जाता है। शालिनी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, आपने कल रात जो कुछ भी लिखा वो सब सच है। युग शालिनी को देखते हुए कहता है, मतलब यक्षिणी को अभिशाप महाडायन ने दिया था? शालिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग जी, यक्षिणी को अभिशाप महाडायन ने ही दिया था, उसी के कारण वो आज तक भटक रही है। ना ही महाडायन उसे अभिशाप देती, ना उसे भटकना पड़ता, सारी गलती महाडायन की ही है। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही डायना बीच में दखल देते हुए बड़े गुस्से के साथ कहती है, गलती महाडायन की नहीं शालिनी, यक्षिणी की है। तुम ही बताओ, भला कोई स्त्री अपने पति को किसी पराई स्त्री के साथ सोते हुए देख क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? शालिनी डायना की बात का पलटकर जवाब देती है, तो गुस्से में क्या वो उस स्त्री का पूरा जीवन बर्बाद कर देगी? तुम शायद भूल रही हो डायना, यक्षिणी ने ये सब कोई जानबूझकर नहीं किया था, वो बेचारी मजबूर थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो उसके साथ संभोग नहीं करती तो वो भक्षानर ताज पाकर पूरे संसार को नष्ट कर देता, फिर तुम ही बताओ क्या हाल होता संसार का। डायना अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, यक्षिणी मजबूर नहीं थी शालिनी, वो कोई और तरीका भी ढूंढ सकती थी भक्षानर को रोकने का, पर उसने नहीं ढूंढा क्योंकि वो खुद भक्षानर के साथ संभोग करना चाहती थी। भक्षानर जैसे बलवान पुरुष को देखकर उसका मन मचल गया था। शालिनी गुस्से के साथ कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो डायना, तुम यक्षिणी को गलत समझ रही हो, उसके पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। उसने भक्षानर की आंखों में अपने लिए काम वासना देख ली थी, और वो अच्छे से जानती थी कि महाडायन का काजल भक्षानर की नाभि में लगा है, तभी उसने उसके सामने संभोग करने की शर्त रखी ताकि वक्त रहते वहां महाडायन आ जाए, और वैसा ही हुआ, पर महाडायन ने बिना कुछ जाने उसे अभिशाप दे दिया, एक ऐसा अभिशाप जिसकी वो हकदार ही नहीं थी। डायना शालिनी की आंखों में देखते हुए कहती है, महाडायन ने जो किया ठीक किया, यक्षिणी ने एक पाप किया था और उस पाप की सजा मिलनी ही चाहिए थी। शालिनी पलटकर कुछ कहती है उससे पहले ही युग उन दोनों के बीच बोल पड़ता है, ये तुम दोनों क्या कर रही हो,
झगड़ क्यों रही हो? शालिनी, तुम तो मुझे और अभिमन्यु को चुप कर रही थी ना, और अब तुम खुद डायना से झगड़ने लग गई। तुम ना चलो यहाँ से, मुझे पता है अगर तुम यहाँ पर एक पल भी रुकी तो जरूर झगड़ा और बढ़ जाएगा। इतना कहकर युग शालिनी का हाथ पकड़ता है और उसे उस कमरे से बाहर लेकर जाने लग जाता है। अभिमन्यु और डायना खामोश कमरे में ही खड़े रहते हैं। शाम के 7 बज रहे थे और वर्चस्विनी, तारा और चार्ली मेहंदी पथार पहुंच चुके थे। चार्ली जिप्सी चला रहा था और उसके बगल में वर्चस्विनी बैठी हुई थी। तारा पीछे जिप्सी में सो रही थी। वर्चस्विनी और चार्ली को बिल्कुल याद नहीं था कि जब वो मायाधारी की गुफा के अंदर घुसे थे तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था, और जब अगली सुबह उन्होंने अपनी आंखें खोली थी तो खुद को गुफा के बाहर पाया था, और वो मायाधारी की गुफा जो उन्हें 7वीं पहाड़ी के बाहर दिखी थी उसका कहीं नामो निशान नहीं था। चार्ली जिप्सी चलाते हुए कहता है, मैडम जी पहले मैं आपको और तारा को आपके घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर चले जाऊंगा। वर्चस्विनी चार्ली को मना करते हुए कहती है, नहीं चार्ली अभी हमें घर नहीं जाना बल्कि कहीं और जाना है। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, अब शाम को कहां पर जाना है मैडम जी हमें? वर्चस्विनी जवाब देती है, ग्रेवयार्ड कोठी। चार्ली घबराते हुए कहता है, कहां मैडम जी? ग्रेवयार्ड कोठी, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। चार्ली घबराते हुए कहता है, क्या कहा मैडम जी आपने? ग्रेवयार्ड कोठी, पर क्यों? वर्चस्विनी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मुझे डायना से कुछ सवाल पूछने हैं। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, अगर आपको डायना से सवाल पूछने हैं तो फिर हम ग्रेवयार्ड कोठी क्यों जा रहे हैं? हमें तो बिंदु के घर जाना चाहिए, डायना वहीं पर तो रुकी हुई है। वर्चस्विनी चार्ली की बात को काटते हुए कहती है, नहीं चार्ली, डायना बिंदु के घर पर नहीं है। मैंने बिंदु से फोन पर बात की थी और वो कह रही थी कि कुछ दिनों से डायना ग्रेवयार्ड कोठी में ठहरी हुई है। चार्ली कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कहता है, मैडम जी ये डायना ग्रेवयार्ड कोठी में क्या कर रही है? वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, मुझे क्या पता चार्ली कि डायना ग्रेवयार्ड कोठी में क्या कर रही है, मुझे बस उससे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। चार्ली अगले ही पल पूछता है, कैसे सवाल मैडम जी? वर्चस्विनी चार्ली को अच्छे से समझाते हुए कहती है, डायना की कुछ चीजें मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। तुमने देखा था ना, जब हम देविका के घर के पास पहुंचे थे तो वहां पर सारे घर जले हुए थे, सिर्फ देविका और ये डायना के घरों को छोड़कर। आखिर कैसे? चार्ली वर्चस्विनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैडम जी आपने ठीक कहा, डायना और देविका के घर पर जलने का एक निशान तक नहीं था, ऊपर से डायना का घर तो आज भी नया जैसा दिखता है। वर्चस्विनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, एक और बात, वैसे तो डायना हर वक्त देविका के साथ रहती थी उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर, लेकिन जिस दिन देविका और उसका पूरा परिवार गायब हुआ उसी दिन डायना शहर में नहीं थी। ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। ऐसा लगता है जैसे ये डायना हमसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है, कुछ ऐसा जो ये हमें बताना नहीं चाहती है। चार्ली फिर से वर्चस्विनी की बातों में हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने मैडम जी, मुझे तो ये डायना शुरू से ही कुछ अजीब लगती है, वो भी और साथ में उसकी वो बिल्ली भी, दोनों जब देखो मुझे घूरते रहते हैं। वर्चस्विनी अपने हाथ से सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, चार्ली अब बातें करना बंद करो और जल्दी से जल्दी ग्रेवयार्ड कोठी चलो। चार्ली कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, पर मैडम जी शाम हो गई है और ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, मुझे नहीं लगता हमें रात के वक्त ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहिए, इतना लंबा सफर भी करके आए हैं। देखिए तारा बिटिया भी साथ में है, उसे भी आराम करने की जरूरत है, साथ में मुझे भी। वर्चस्विनी गुस्सा करते हुए कहती है, ये आराम करने का वक्त नहीं है चार्ली, काम करने का है, जब देखो काम चोरी करते रहते हो। चार्ली अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, मैं कहां काम चोरी कर रहा हूं मैडम जी, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ग्रेवयार्ड कोठी सुबह चलते हैं, रात में वहां पर जाना ठीक नहीं, अभी अभी तो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं और आप हैं कि फिर से मौत के मुंह में जाने के लिए बोल रही हैं। आपको याद है ना माया नगरी में आपने और मैंने खुद अपनी आंखों से उस 7वीं पहाड़ी में मायाधारी की गुफा देखी थी, उसके अंदर भी घुसे थे, लेकिन अंदर घुसते ही हमारे साथ क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि जिंदा बच गए, वरना हमारा तो वहीं पर राम राम सत्य हो जाता। वर्चस्विनी खामोश रहती है, चार्ली की बात का पलट कर कुछ जवाब नहीं देती है। चार्ली अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, पता नहीं जीवन में कौन सा पुण्य किया था मैंने जो उस रात बच गया, अब मैं वापस से अपनी जान को खतरे में नहीं डालने वाला मैडम जी। वर्चस्विनी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहती है,
चार्ली, मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी चल रहे हो या नहीं? चार्ली हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर अभी नहीं, सुबह। रात को वहां पर जाने में खतरा है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, वो ग्रेवयार्ड कोठी है वही ग्रेवयार्ड कोठी जहाँ पर यक्षिणी रहती है। वर्चस्विनी पलट कर कुछ कहती है, उससे पहले ही आसमान में जोर से बिजली कड़कती है, इतनी जोर से कि चार्ली और वर्चस्विनी दोनों कांप जाते हैं। चार्ली काले आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ये देखिए मैडम जी, अब तो ऊपर वाले ने भी संकेत दे दिया है कि हमें रात के वक्त ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जाना चाहिए। मेरी बात मानिए, हम सुबह ही वहां पर चलते हैं, और वैसे भी डायना रात ही रात में कहां पर चली जाएगी? इतने दिनों से वहां पर है तो फिर कल भी हमें वहीं पर मिलेगी, वर्चस्विनी गुस्से से कहती है। जिप्सी रोको चार्ली, चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों मैडम जी? वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा जिप्सी रोको। वर्चस्विनी के दबाव बनाने पर चार्ली साइड में जिप्सी को रोक देता है। वर्चस्विनी चार्ली से कहती है, जिप्सी से नीचे उतरो और अपना सामान निकाल लो। अगर तुम मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी नहीं चलना चाहते तो मत चलो, मैं अकेले चली जाऊंगी। लेकिन ग्रेवयार्ड कोठी तो आज अभी इसी वक्त जाऊंगी, मैं और वक्त नहीं गंवाना चाहती, वक्त हाथ से निकले जा रहा है, चार्ली हिचकिचाते हुए कहता है। पर मैडम जी, आप अकेले? चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी उसे टोकते हुए कहती है, पर वर कुछ नहीं चार्ली, वैसे भी तुम्हारी ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। तुम जाटव को कॉल कर लेना, वो तुम्हें रिसीव करने आ जाएगा। चार्ली फिर हिचकिचाते हुए कहता है, पर मैडम जी। वर्चस्विनी गुस्सा करते हुए कहती है, चार्ली मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, इसी वक्त नीचे उतरो जिप्सी से। चार्ली ना चाहते हुए भी जिप्सी से नीचे उतर जाता है और अपना सामान भी नीचे उतार लेता है। वो वर्चस्विनी को ग्रेवयार्ड कोठी जाने से रोकना चाहता था पर नहीं रोक पाता। पता नहीं क्यों उसके मन को बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि तारा को ग्रेवयार्ड कोठी ले जाना ठीक नहीं। वर्चस्विनी ड्राइविंग सीट पर बैठती है और तारा के साथ ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में अभिमन्यु कमरे के अंदर बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कमरे के अंदर अभिमन्यु के सिवा कोई और नहीं था। अभिमन्यु बहुत परेशान नजर आ रहा था। जब से उसके और युग के बीच में बहस हुई थी, उसने और युग ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। बात हो भी कैसे पाती, दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश तक नहीं की थी। दोनों एक दूसरे से नाराज होकर अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे थे। इसे ही तो दोस्ती कहते हैं, जिसमें आप अपने दोस्त से भले ही कितने भी नाराज रहे तब भी उसकी फिक्र करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। अभिमन्यु मन ही मन सोचता है, ये युग को हुआ क्या है, आखिर वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? कल रात मेरे सामने वो सिगरेट पी रहा था और जब मैंने सुबह टोका तो उसने मना कर दिया। अभिमन्यु अपनी जगह पर से उठकर कमरे के अंदर टहलते हुए मन में सोचने लगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि युग ने कोई कहानी लिखी हो और उसे ही नहीं पता कि उसने वो कहानी कैसे लिख दी? ऐसे ही थोड़ी कोई भी कहानी लिख देता है, उसे कहीं ना कहीं से तो वो कहानी पता चली होगी ना। और ये युग को कब से कहानी लिखने का शौक आ गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब चल क्या रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि युग को रात के बारे में कुछ याद ही नहीं है? अभिमन्यु बार बार यही सब सोचते जा रहा था और कमरे के अंदर एक ही जगह पर टहल रहा था। तभी वहां पर डायना आ जाती है। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डायना तुरंत समझ जाती है कि अभिमन्यु कुछ सोच रहा था, और अभिमन्यु किस बारे में सोच रहा था ये बात भी डायना बहुत अच्छे से जानती थी। डायना अभिमन्यु को युग के खिलाफ भड़काते हुए कहती है, क्यों अभी, अब तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया ना? मैं ना कहती थी युग इतना अच्छा नहीं है जितना वो दिखता है, बल्कि वो बहुत बुरा है। तुम ही पागल थे जो उसकी हर एक बात पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे। अभिमन्यु खामोश रहता है और पलट कर डायना की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, मैं तो अभी भी कहती हूँ अभी भी वक्त है, युग और उसकी बातों पर विश्वास मत करो, वो तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। अभिमन्यु डायना को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, क्या छुपा रहा है युग मुझसे, जिसके बारे में मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें पता है? डायना चुप हो जाती है और अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। अभिमन्यु डायना पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बोलो डायना, क्या छुपा रहा है युग मुझसे? डायना अनजान बनते हुए कहती है, मुझे क्या पता अभी, युग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना कि मेरा, मैं तो उसे अभी अभी जानती हूँ। तुम खुद जरा सोचो, जो बात वो हमसे छुपा रहा है उसने वो तुम्हें नहीं बताई, तो भला मुझे कैसे बता सकता है? अभिमन्यु पलटकर कुछ और पूछता उससे पहले ही डोरबेल की आवाज सुनाई देती है।
कोई बार बार डोरबेल बजाया जा रहा था। डायना समझ गई कि यही सही मौका है कमरे से निकलने का, वरना अभिमन्यु अपनी चालाकी से उसके अंदर के सारे राज बाहर निकलवा लेगा। डायना कमरे से बाहर निकलते हुए कहती है, लगता है ये कायर और कछुआ आ गए, बड़े दिन से गायब थे, अभी खबर लेती हूँ मैं इनकी। जरा पूछूं तो इतने दिन तक कहाँ थे, ऐसे कौन से कार्यक्रम में चले गए थे जो अब जाकर खत्म हुआ है। इतना कहकर डायना कमरे से बाहर निकल जाती है। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाता है। डायना और अभिमन्यु जब हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोई अभी भी बार बार डोरबेल बजाया जा रहा था। डायना दरवाजा खोलते हुए कहती है, ये कायर और कछुए को हुआ क्या है, इनसे जरा सा भी इंतजार नहीं हो रहा क्या, इतनी बेल क्यों बजा रहे हैं ये दोनों। इतना कहकर डायना दरवाजा खोल देती है। जैसे ही डायना दरवाजा खोलती है उसकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। अभिमन्यु भी एकदम शांत हो गया था। डायना सामने की ओर देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, आप और यहाँ पर? दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वर्चस्विनी खड़ी हुई थी और उसके बगल में तारा खड़ी हुई थी। तारा अभी भी नींद में लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नींद पूरी ना हुई हो। वर्चस्विनी डायना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहती है, हाँ डायना, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? डायना हिचकिचाते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप तो कहीं भी आ जा सकती हैं, आपको पूरी इजाजत है। वर्चस्विनी डायना की आंखों में देखते हुए कहती है, तो फिर तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गई? डायना वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मुझे लगा दरवाजे पर कायर और। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तारा पुकारते हुए कहती है, शालिनी दीदी। डायना के पीछे कोई और नहीं बल्कि शालिनी और युग खड़े हुए थे। डोरबेल की आवाज सुनकर वो भी अपने कमरे से नीचे आ गए थे। तारा और शालिनी दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं तारा को शालिनी के अंदर यामिनी नजर आ रही थी और उसे वो बात अच्छे से याद थी कि यामिनी ने ही उन सब की जान बचाई थी। लेकिन उसने ये बात वर्चस्विनी से छुपा कर रखी हुई थी, क्योंकि जाते वक्त यामिनी ने तारा से वादा किया था कि वो ये बातें किसी को नहीं बताएगी, अपनी माँ को भी नहीं। तारा भागते हुए शालिनी के पास जाने लगी। शालिनी तारा के बराबर बैठ गई और दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगा लिया। अभिमन्यु तारा और शालिनी को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये क्या, तारा को शालिनी से इतना लगाव कैसे हो गया? पिछली बार जब ये आई थी तब तो तारा शालिनी को देखकर बहुत डर गई थी, उससे दूर भाग रही थी, और अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों सदियों से एक दूसरे को जानते हो। युग, वर्चस्विनी और डायना वो तीनों भी तारा और शालिनी को देखकर हैरान रह गए थे। तारा और शालिनी एक दूसरे के अभी गले मिले ही थे कि तभी कड़कड़ाती हुई बिजली गिरती है। ऐसा लग रहा था जैसे रात में ही सवेरा हो गया हो। जोर के साथ बिजली गिरते ही ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर की लाइट भी बंद चालू होने लग गई थी। युग खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करते हुए कहता है, लगता है बिजली यहीं कहीं गिरी है, तभी इतनी तेज रोशनी चमकी थी। इतना कहकर युग बाहर की तरफ जाने लग जाता है। युग के साथ ही सब लोग ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बिजली कहीं और नहीं बल्कि सीधे जिप्सी पर गिरी थी, जिस वजह से जिप्सी में आग लगी हुई थी। जिप्सी बहुत तेज जल रही थी। आग इतनी तेज थी कि उसे देखकर सभी के दिल दहल गए थे और सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभिमन्यु जलती हुई जिप्सी को देखते हुए कहता है, वर्चस्विनी जी, बिजली कहीं और नहीं बल्कि सीधे आपकी जिप्सी पर ही गिरी है। वर्चस्विनी अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, चार्ली ने मुझे ग्रेवयार्ड कोठी आने से मना किया था, कहीं ये सब उसके कारण तो नहीं। वर्चस्विनी ने इतना सोचा ही था कि तभी वो ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। अब ऐसे काले घने बादल इकट्ठा होंगे तो बिजली नहीं गिरेगी तो कब गिरेगी? गिर गई होगी मेरी जिप्सी पर, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। सब लोग अभी भी जलती हुई जिप्सी को देख रहे थे। धीरे धीरे करके जिप्सी में लगी आग कुछ कम हो गई थी। ऐसा लगने लग गया था वो आग जल्द ही अपने आप बुझ जाएगी, उसे बुझाने की कोई जरूरत नहीं। वर्चस्विनी सब लोगों की तरफ नजरें घुमाते हुए कहती है, अब जिप्सी का मातम बनाकर खत्म हो गया है तो क्या बंदर चलें? मुझे डायना से कुछ पूछना है तो चलें डायना, मुझे तुमसे अकेले में कुछ सवाल पूछने हैं। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, वर्चस्विनी जी को आखिर डायना से अकेले में क्या पूछना है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।
युग मन ही मन सोचने लग जाता है, वर्चस्विनी जी को आखिर डायना से अकेले में क्या पूछना है। डायना के मन में भी सेम वही सवाल था जो इस वक्त युग के मन में चल रहा था। सिर्फ डायना और युग ही नहीं, बल्कि शालिनी और अभिमन्यु के मन में भी इस वक्त यही सवाल था। डायना एकटक नजर से वर्चस्विनी को घूरती रहती है। वर्चस्विनी डायना से कहती है, अब मुझे ही देखते रहोगी डायना या अंदर भी चलोगी? डायना ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते हुए कहती है, हाँ हाँ चलिए ना, मैं तो आपके ही अंदर जाने का इंतजार कर रही थी वर्चस्विनी मैम। सभी लोग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर चले जाते हैं। कोठी के अंदर सभी लोग एकटक नजर से वर्चस्विनी को ही देखे जा रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वर्चस्विनी डायना से क्या पूछना चाहती है, वो उससे क्यों मिलने आई है, और इस बात का आभास वर्चस्विनी को सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अच्छे से हो गया था। वर्चस्विनी डायना को देखते हुए कहती है, डायना मुझे तुमसे अकेले में कुछ सवाल पूछने हैं, वही तुम्हारे लिए और मेरे लिए बेहतर होगा। डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ क्यों नहीं वर्चस्विनी मैम, चले ना ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी में बहुत सारे कमरे हैं, हम किसी भी कमरे में आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। डायना के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी यही चाहती थी कि वर्चस्विनी उससे अकेले में सवाल पूछे, ना कि सबके सामने। वर्चस्विनी तारा से बड़े प्यार से बोलती है, तारा बेटा आप यहीं पर रुकिए, मम्मा बस अभी थोड़ी देर से आई डायना दीदी से बात करके। तारा भी बड़े प्यार से उसके बगल में खड़ी शालिनी का हाथ थामते हुए कहती है, हाँ मम्मा आप जाइए, यामिनी दीदी है ना मेरे साथ, जब तक यामिनी दीदी मेरे साथ है मुझे किसी चीज का डर नहीं। जैसे ही तारा शालिनी को यामिनी बोलती है, डायना और अभिमन्यु एकटक नजर से शालिनी को घूरने लग जाते हैं। शालिनी एकदम धीरे से ना में तारा को इशारा करने लग जाती है, जिसका मतलब था वो इसके आगे कुछ ना बोले। तारा भी एकदम चुप हो जाती है। युग बीच में दखल देते हुए कहता है, इनका नाम यामिनी नहीं शालिनी है तारा बेटा। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये तारा को शालिनी से इतना लगाव कैसे हो गया अचानक से। खैर जाने दो, जिस काम के लिए आई हूँ पहले वो करती हूँ, बाद में ये सब सोचते बैठूंगी। वर्चस्विनी का कहीं फैसला न बदल जाए इसलिए डायना जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लग जाती है। डायना के पीछे पीछे वर्चस्विनी भी सीढ़ियां चढ़ने लग जाती है। वर्चस्विनी और डायना के वहां से जाते ही तारा को दरवाजे के बाहर अंधेरे में एक जुगनू चमकता हुआ दिखाई देता है। वो जुगनू दरवाजे पर एक ही जगह पर जगमग जगमग जगमगाए जा रहा था। तारा खुशी से कसकर चीखती है, जुगनू! और इतना कहकर तारा शालिनी का हाथ छोड़ दौड़ती हुई उस जुगनू को पकड़ने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाती है। युग तारा को रोकने जाता उससे पहले ही शालिनी तारा के पीछे दौड़ लगाते हुए कहती है, आप यहीं पर रुकिए युग जी, मैं तारा को लेकर आती हूँ। इतना कहकर शालिनी भी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाती है। हॉल में सिर्फ युग और अभिमन्यु ही बचे थे, जो एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे पर अपने अपने एटीट्यूड के कारण एक दूसरे से नजरें फेर लेते हैं। कई बार हमारा एटीट्यूड उस दोस्ती को खा जाता है जो सालों से चले आ रही होती है। कभी कभी हमें हमारे एटीट्यूड को मार देना चाहिए, वरना वो हमारी दोस्ती को खा लेता है और हम एक ऐसे दोस्त को खो बैठते हैं जिसे कभी सपने में भी खोना नहीं चाहते थे। ग्रेवयार्ड कोठी के ही दूसरे हिस्से में डायना वर्चस्विनी को बात करने के लिए कहीं और नहीं बल्कि युग के कमरे में लेकर आई थी। इस वक्त डायना और वर्चस्विनी दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। डायना वर्चस्विनी से कहती है, कहिए वर्चस्विनी मैम, क्या पूछना था आपको मुझसे? वर्चस्विनी डायना से पूछती है, वो बात जो अब तक तुमने हमें नहीं बताई डायना, वो बात जानना चाहती हूँ मैं तुमसे। डायना मासूम बनते हुए कहती है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। वर्चस्विनी जानती थी कि डायना सीधे सीधे सारी सच्चाई नहीं बताएगी, इसलिए वो उसे अपने जाल में फंसाते हुए कहती है, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला डायना? डायना मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने आपसे क्या झूठ बोला वर्चस्विनी मैम? वर्चस्विनी तुरंत कहती है, यही कि मायाधारी माया नगरी की पहाड़ियों में गुफा में रहती है। डायना पलट कर कहती है, इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया, सच ही तो बोला था कि मायाधारी पहाड़ियों में गुफा के अंदर रहती है। वर्चस्विनी कहती है, लेकिन मैं और चार्ली माया नगरी गए थे और माया नगरी में जितनी भी गुफा है सब तलाश कर ली हमने, हमें किसी पहाड़ी में कोई गुफा नहीं मिली, ना ही वहां पर मायाधारी मिली। डायना हैरानी के साथ कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वर्चस्विनी तुरंत कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला था डायना। डायना बिना सोचे समझे बोल पड़ती है, नहीं वर्चस्विनी मैम, मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला था,
मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कहती हूँ। मायाधारी गुफा में ही रहती है और वो गुफा माया नगरी की सातवीं पहाड़ी पर है। जैसे ही डायना की बात कंप्लीट होती है, कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। वर्चस्विनी डायना को घूरने लग जाती है। डायना समझ गई थी कि उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई थी जो नहीं निकलने चाहिए थी। वर्चस्विनी डायना को घूरते हुए ही कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मायाधारी माया नगरी की सातवीं पहाड़ी में रहती है? डायना खामोश रहती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। वो टेंशन में आने लग जाती है, जिस कारण उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें आने लग गई थी। वर्चस्विनी डायना पर और दबाव बनाते हुए कहती है, तुम्हें ये बात जानकर और हैरानी होगी डायना कि माया नगरी में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वहां सातवीं पहाड़ी को देखा है, और तुम्हारी बातों से तो साफ झलक रहा है कि तुम सातवीं पहाड़ी पर गई भी हो और तुमने मायाधारी की गुफा भी देखी है। डायना तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं सातवीं पहाड़ी पर कभी नहीं गई, ना ही मैंने मायाधारी की गुफा देखी है। वर्चस्विनी पूछती है, तो फिर तुम्हें उसकी गुफा और सातवीं पहाड़ी के बारे में कैसे पता चला? डायना बिना वक्त गवाए कहती है, वो मुझे सातवीं पहाड़ी के बारे में देविका ने बताया था, और देविका को ये बात रविंद्र ने बताई थी। वर्चस्विनी पूछती है, तो तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? डायना अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, वो क्या है ना वर्चस्विनी मैम, मेरे दिमाग से ये बात उस वक्त निकल गई थी और मैं बताना भूल गई। अभी आपने दबाव बनाया ना तो याद आया। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, मैं इससे अच्छा दबाव बना सकती हूँ तुम्हारे ऊपर हवालात के अंदर। तुम कहो तो वहां पर चलें, वहां पर फिर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा जो कुछ भी तुम हमें बताना भूल गई हो। डायना पलट कर कुछ जवाब नहीं देती है, बस गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है और अपने आसपास आगे पीछे देखने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे डायना अपने आसपास किसी को ढूंढ रही हो। वर्चस्विनी डायना की हरकतों को नोटिस करते हुए कहती है, ये यहाँ वहाँ क्या देख रही हो तुम? डायना फिर कुछ जवाब नहीं देती है, चुप बैठी रहती है। वर्चस्विनी अपना सवाल आगे जारी रखते हुए कहती है, चलो एक बार के लिए मैंने तुम्हारी रविंद्र वाली थ्योरी मान ली, पर क्या तुम अब मुझे ये बताओगी कि तुम्हारी कॉलोनी में सारे घर जले हुए हैं, सिर्फ तुम्हारा और देविका का घर सही सलामत? वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही डायना गुस्से के साथ बोल पड़ती है, वो घर जले हुए नहीं है बल्कि उन घरों को जलाया गया है। वर्चस्विनी अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, जलाया गया है? किसने जलाया है उन घरों को? डायना कहती है, उन घरों को जलाने वाली कोई और नहीं बल्कि मायाधारी थी। वर्चस्विनी डायना की बात सुनकर शॉक्ड तो होती है पर कुछ पलट कर नहीं कहती है, चुप बैठी रहती है। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, जिस रात देविका की बेटी का नामकरण था उस रात मायाधारी वहां पर आई थी देविका की तलाश में। वहां पर आकर वो देविका को आवाज लगाए जा रही थी, वो उसे ढूंढ रही थी, और जब वो उसे नहीं मिली तो उसने अपने काले जादू से सारे घरों में आग लगा दी। वर्चस्विनी फिर डायना से पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि जिस रात देविका की बेटी का नामकरण था उस रात तो तुम शहर में थी ही नहीं, तुम तो शहर से बाहर गई हुई थी, फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? डायना जवाब देती है, जब मैं वापस लौटी तो सीधे पुलिस स्टेशन गई थी और हमारी कॉलोनी के बाहर ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसके हार्ड ड्राइव में वो सब सेव हो गया था जो आसानी से रिकवर हो गया। उसी में मैंने मायाधारी को देखा था कॉलोनी के अंदर घुसते हुए। वर्चस्विनी डायना की बातों पर गौर फरमाते हुए कहती है, कॉलोनी के अंदर घुसते हुए मतलब घर जलाते हुए नहीं देखा था? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ घर जलाते नहीं देखा था, बस कॉलोनी के अंदर घुसते हुए देखा था। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप माया नगरी में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के इंचार्ज से पूछ सकती हैं। वर्चस्विनी फिर डायना की बात मानते हुए कहती है, डायना चलो मैंने तुम्हारी ये वाली बात भी मान ली, पर अभी भी मेरा सवाल सेम ही है, उस मायाधारी ने तुम्हारे और देविका के घर में आग क्यों नहीं लगाई, सिर्फ यही दो घर क्यों छोड़ दिए? डायना बड़ी ही चालाकी के साथ जवाब देती है, मुझे क्या पता वर्चस्विनी मैम, वैसे भी ये सवाल आपको मुझसे नहीं मायाधारी से पूछना चाहिए, वो इसके ज्यादा अच्छे से जवाब दे सकती है। वर्चस्विनी अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, अगर मायाधारी मेरे हाथ लगती तो मुझे तुमसे ये सब सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद उसके मुंह से उसकी और तुम्हारी दोनों की सारी सच्चाई उगला लेती। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है डायना थोड़ी घबरा जाती है। डायना हकलाते हुए कहती है, मेरी सच्चाई, मेरी कैसी सच्चाई? वर्चस्विनी डायना पर अपनी नजरें टिकाते हुए कहती है, देविका की बेटी के नामकरण वाली रात तुम कहाँ गई थी? डायना हकलाते हुए ही जवाब देती है, बताया तो था मैंने आपको कि मैं उस रात शहर से बाहर गई थी। वर्चस्विनी डायना पर दबाव बनाते हुए कहती है, शहर से बाहर कहाँ? डायना वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देना छोड़कर फिर अपने आसपास पीछे देखने लग जाती है।
जैसे फिर कुछ ढूंढने लग गई हो। वर्चस्वी ने डायना को टोकते हुए कहती है, ये यहाँ वहाँ क्या देख रही है तू? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, जवाब दे मेरे सवाल का। नामकरण वाली रात शहर से बाहर कहाँ पर गई थी तू और क्यों? डायना बड़ी चालाकी के साथ अपना उल्टा हाथ पीछे करती है और चट से उससे चुटकी बजा देती है। जैसे ही डायना चुटकी बजाती है, वर्चस्विनी खांसने लगती है। वर्चस्विनी लगातार जोर जोर से खांसे जा रही थी। वर्चस्विनी को इतनी खांसी आने लग गई थी कि वो कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। डायना मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत अपनी जगह से उठते हुए कहती है, आप यहीं पर रुकिए मैम, मैं अभी नीचे से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर डायना फुर्ती के साथ उस कमरे से बाहर निकल जाती है। इस तरफ तारा जुगनू का पीछा करते करते ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे साइड आ गई थी। तारा जुगनू को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और जब भी उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती, वो जुगनू उसकी पकड़ से दूर चले जाता था। शालिनी तारा को जुगनू को पकड़ते हुए देख मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। तारा जुगनू को पकड़ते हुए कुएं के पास पहुंच जाती है। कुएं के पास बहुत सारे जुगनू मंडरा रहे थे, पर उनमें से एक भी जुगनू उसकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। शालिनी बड़े प्यार से तारा से कहती है, ये जुगनू ऐसे आपकी पकड़ में नहीं आएंगे तारा बेटा। तारा भी बड़े प्यार से कहती है, फिर कैसे आएंगे शालिनी दीदी? शालिनी जवाब देती है, प्रेम से। तारा खामोश रहती है, उसे शालिनी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। शालिनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, प्रेम से इस संसार की समस्त चीजों को पाया जा सकता है। बस जरूरत है जिस चीज को आप पाना चाहते हो उससे बे इंतहा बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करो। इतना कहकर शालिनी तारा के पास जाकर उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर सामने की तरफ करते हुए कहती है, अब जिस जुगनू को आप पकड़ना चाहते हो तारा बेटा, तो उसकी तरफ प्यार से देखते रहो। तारा की आंखों के जस्ट सामने ही एक जुगनू मंडरा रहा था। तारा एकटक नजर से उसकी तरफ देखने लग जाती है। तारा बड़े प्यार से उस जुगनू को देख रही थी। देखते ही देखते वो जुगनू तारा के पास आता है और वो आकर उसकी हथेली पर बैठ जाता है। तारा उस जुगनू को देखकर खुश हो जाती है। देखते ही देखते सिर्फ एक नहीं बल्कि कुएं के पास जितने भी जुगनू मंडरा रहे थे सब के सब एक एक करके तारा के बदन पर आकर बैठ जाते हैं। ऐसा लगने लग गया था जैसे तारा ने जुगनुओं की पोशाक पहनी हुई हो। अपने पास एक साथ इतने सारे जुगनुओं को देखकर तारा बहुत खुश हो गई थी। तारा उन जुगनुओं की जगमगाहट को देखकर खुश हो ही रही थी कि तभी उसके सामने वो पल गुजरने लग जाता है जब वो वर्चस्विनी के साथ पहली बार ग्रेवयार्ड कोठी में आई थी। उसे याद आता है कि जब वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसी थी तो हॉल में वहां पर शालिनी खड़ी हुई थी और शालिनी के पीछे काला साया खड़ा हुआ था जिसको देखकर तारा डरकर चीखते हुए ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल गई। सबको लग रहा था कि तारा शालिनी को देखकर चीखी थी, पर असल में तारा काले साय को देखकर डरी थी। तारा की आंखों के सामने वो पल गुजर ही रहा था कि तभी तारा डरने लग जाती है। जैसे ही तारा डरती है उसकी बॉडी पर जितने भी जुगनू बैठे हुए थे सब एक साथ उड़ जाते हैं। शालिनी तारा को देखते हुए उससे पूछती है, ये क्या तारा बेटा, आप डर रही हो? आप किससे डर रही हो? तारा डरते हुए ही हकलाते हुए जवाब देती है, काले साय से। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। तारा डरते हुए हकलाते हुए जवाब देती है, काले साए से। जब शालिनी तारा के मुंह से काले साए का नाम सुनती है तो एक पल के लिए वो भी घबरा जाती है, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो तारा के सामने घबरा गई तो तारा भी डर जाएगी। लेकिन उसे तारा के अंदर का सारा डर आज खत्म करना था। वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर से ही सोच कर आई थी, तभी उसने अपने जुगनुओं को ग्रेवयार्ड कोठी के पास मंडराने के लिए आदेश दिया था। शालिनी बड़े प्यार से तारा के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहती है, आपको काले साए से डरने की कोई जरूरत नहीं है तारा बेटी। तारा हकलाते हुए कहती है, अगर काला साया यहाँ पर आ गया तो? शालिनी जवाब देती है, वो काला साया यहाँ पर नहीं आ सकता तारा बेटी, तभी तो मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ, यहाँ पर वो काला साया नहीं आने वाला। तारा तुरंत पूछ बैठती है, वो काला साया यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता यामिनी दीदी? शालिनी अपने हाथ से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इस कुएं के कारण। ये कुआं जो तुम देख रही हो ये कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं है तारा बेटी, बल्कि इस कुएं को
नेत्र वाष्पम कूपा कहते हैं, तारा शालिनी की बात दोहराने की कोशिश करते हुए कहती है। क्या कहा आपने यामिनी दीदी? नेत्र वाष्पम कूप ये क्या होता है? शालिनी तारा को समझाते हुए कहती है, नेत्र वाष्पम कूपा ये संस्कृत शब्द है जिसमें नेत्र वाष्पम का मतलब होता है आंसू और कूप का मतलब होता है कुआं। नेत्र वाष्पम कूप यानी वो कुआं जिसके अंदर पानी नहीं होता बल्कि आंसू होते हैं। इस कुएं के पास वही आ सकते हैं जिनके अंदर जज्बात एहसास जिंदा हो, और उस ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जो काला साया है उसके अंदर के जज्बात एहसास मिट चुके हैं। वो बड़ा निर्दयी है, उसके अंदर आंसू के कतरे की एक बूंद तक नहीं, इसलिए वो इस कुएं के पास नहीं आ सकता। इस कुएं के पास आने के लिए आंसू होने जरूरी है। तारा कुएं के अंदर झांकने लग जाती है। कुएं के अंदर काफी अंधेरा था जिस कारण उसे कुएं के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तारा ने अपना सिर कुएं की तरफ किया ही था कि तभी जुगनुओं का एक झुंड सीधे कुएं के अंदर घुस जाता है और कुएं के तल के पास जाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जुगनू तारा के लिए ही अंदर जा रहे थे। वो जुगनू कुएं के तल के पास जाकर जगमग जगमग पीली रोशनी में जगमगाने लग जाते हैं। अब तारा को कुएं का पानी क्लियर दिखाई दे रहा था। तारा कुएं के पानी को देखते हुए कहती है, यानी यामिनी दीदी, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है कि पानी नहीं बल्कि आंसू है। यामिनी तारा की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, ये पानी नहीं आंसू है। इस कुएं की एक और खासियत है। तारा खामोश रहती है, चुपचाप शालिनी की बात सुनती रहती है। शालिनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, ये कुआं हमारी सारी बुरी यादें, हमारे दुख दर्द जिसे हम कभी याद नहीं करना चाहते, उन सबको अपने अंदर आंसुओं के रूप में समाहित कर लेता है, तभी इसे नेत्र वाष्पम कूप कहते हैं। तारा कहती है, तो फिर क्या यामिनी दीदी, हमें वो यादें कभी याद नहीं आती? शालिनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ तारा बेटा, कभी याद नहीं आती जब तक हम अपने आंसुओं को वापस से अपनी आंखों के अंदर समाहित नहीं कर लेते हैं। तारा चुप रहती है, पलट कर फिर कुछ नहीं कहती है, बस कुएं के अंदर एकटक नजर से देखते रहती है। शालिनी तारा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, और आज तुम्हें भी अपने अंदर के सारे दुख दर्द इस कुएं को समर्पित कर देने हैं। इंसान के अंदर का डर उसके दुख से ही शुरू होता है, और मुझे तुम्हारे अंदर का डर खत्म करना है। तुम्हें पता है तुम्हारे डर की शुरुआत कब से हुई थी? तारा शालिनी से पूछती है। कब से यामिनी दीदी? शालिनी जवाब देती है, तब से जब से मायाधारी तुम्हारी जिंदगी में आई थी। आप बचपन से ही मायाधारी से डरते हुए आ रही हैं। जब उसने आपको पहली बार अपनी गोद में लिया था तब से, इसलिए आपको वो सारी यादें मिटानी होगी जिसमें मायाधारी है, तभी आपके अंदर का डर खत्म होगा। और आपके अंदर का डर खत्म होना बहुत जरूरी है, तभी आपके अंदर की महाशक्ति जागृत होगी। तारा शालिनी को देखते हुए कहती है, अगर डर तब भी खत्म नहीं हुआ यामिनी दीदी तो? शालिनी तारा को अपने ऊपर विश्वास दिलाते हुए कहती है, आपको पता है तारा बेटा, अगर हमें हमारे अंदर का डर खत्म करना है तो उसे तभी खत्म कर सकते हैं जब हमारी जिंदगी में डर की शुरुआत हुई हो। अगर हम उसे उसी वक्त खत्म कर देते हैं तो वो हमारे मन में आगे नहीं पनप पाता है, और हम वही करने जा रहे हैं। तुम्हारे डर को वहीं से खत्म करने जा रहे हैं जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। मुझ पर यकीन करो तारा बेटा। तारा पलटकर कुछ नहीं पूछती है, उसे शालिनी की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था, और शालिनी ने तारा की आंखों में ये बात अच्छे से पढ़ ली थी। शालिनी तारा से कहती है, अब कुएं के अंदर देखते हुए उस पल को याद करो तारा बेटा, जब आपने मायाधारी को पहली बार देखा था। तारा कुएं के अंदर देखने लग जाती है और उसे पल पल का एहसास होने लग जाता है जब मायाधारी ने उसे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था। एक एक करके तारा की आंखों के सामने वो सारे पल गुजरने लग जाते हैं जिनमें मायाधारी थी। उसे वो पल भी याद आता है जब मायाधारी ने उसे वर्चस्विनी और चार्ली को गुफा के अंदर कैद कर लिया था। जैसे जैसे तारा की आंखों के सामने मायाधारी से जुड़े पल गुजरते जा रहे थे, उसके हाथ पैर डर के मारे कांपते जा रहे थे। डर के मारे तारा पसीने में भीग गई थी। वो हाथ जो शालिनी ने तारा का पकड़ा हुआ था, शालिनी तारा के उस हाथ को छोड़ देती है क्योंकि वो चाहती थी तारा अपने डर का सामना खुद करे, यही उसके लिए बेहतर था। देखते ही देखते तारा पूरी तरह पसीने से भीग गई थी और डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तारा ने अपना सिर कुएं के अंदर की तरफ ही करके रखा हुआ था। तारा इतना डर रही थी
कि एक पल के लिए शालिनी भी उसे देखकर घबरा गई थी कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, पर शालिनी फिर भी उसका हाथ नहीं पकड़ती है क्योंकि वो जानती थी कि तारा अपने अंदर का डर खुद खत्म कर सकती है। एक एक करके तारा की आंखों के सामने से सारे पल गुजर ही रहे होते हैं कि तभी तारा की आंखों के सामने से वो पल गुजरने लग जाता है जब मायाधारी वर्चस्विनी को तारा की आंखों के सामने नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, खुद डरी हुई थी। उस पल को याद करके तारा की आंखें नम होने लग जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। एक स्पीड के साथ शुरू से लेकर अंत तक सारे सीन तारा की आंखों के सामने से गुजरते हैं। तारा की दोनों आंखें नम हो गई थी। तारा की दोनों आंखों में से आंसू के कतरे एक साथ झलकते हैं और सीधे कुएं के अंदर गिरने लग जाते हैं। कुएं के अंदर गिरते वक्त वो दोनों आंसू के कतरे एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे ही वो आंसू की बूंद कुएं के पानी में गिरती है, टप से आवाज सुनाई देती है और कुएं के अंदर वो गूंज गूंजने लग जाती है। तारा अपनी आंखें बंद करती है और उसने अगले ही पल जब वापस से अपनी आंखें खोली तब उसके अंदर का सारा डर गायब हो गया था। वो निडर बन गई थी। वो निडरता उसके चेहरे में देखते से ही साफ समझ में आ रहा था। अब उसके हाथ पर बिल्कुल नहीं कपकपा रहे थे, वो बड़ी साहसी नजर आ रही थी। शालिनी तारा को देखकर खुश हो जाती है और खुशी के साथ कहती है, शाबाश तारा बेटा, मुझे आप पर पूरा यकीन था, आप जरूर ये कर सकती हो। अब बस एक काम और करना है। डर तो खत्म हो गया, पर कुछ यादें हैं जो मैं चाहती हूँ वो भी आप अपने दिमाग से निकाल दें, वही आपके आने वाले भविष्य के लिए उचित होगा। तारा शालिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, कौन सी यादें यामिनी दीदी? शालिनी बड़ी नरमी के साथ जवाब देती है, आपके मम्मी पापा से जुड़ी हुई यादें तारा बेटी। मैं नहीं चाहती आपको उनके बारे में भी कुछ याद रहे, क्योंकि अब वो आपकी दुनिया नहीं है। आपकी दुनिया वर्चस्विनी बनी है, वही आपकी माँ है। अगर देविका से जुड़ी यादें आपको याद रही तो हो सकता है आप कमजोर पड़ जाओ, और मैं नहीं चाहती कि आप कभी कमजोर पड़ो, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको एक ऐसी शक्ति से सामना करना है जिसके सामने यदि आप कमजोर पड़ी तो सब खत्म हो जाएगा। तारा पलटकर शालिनी से कुछ सवाल नहीं पूछती है, वापस से कुएं के अंदर देखती है और देविका रविंद्र के साथ बचपन में बिताए हुए चंद पलों को याद करती है, और वो पल भी जो उसने सपने में देखे थे। उन सारे पलों को याद करके तारा की आंखें नम हो जाती हैं और वो आंसू के कतरे भी कुएं के पानी के अंदर डूब जाते हैं। शालिनी तारा को देखते हुए कहती है, बहुत अच्छे तारा बेटी, शाबाश, आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, अब कुछ पड़ाव और पार करने हैं। आपको पता है आपके अंदर एक शक्ति है, शक्ति नहीं महाशक्ति, उस महाशक्ति से हम काले साए का अंत कर सकते हैं, पर उसका अंत करने के लिए जरूरी है पहले आपके अंदर की शक्तियां जागृत होना। अभी आपके अंदर की शक्तियां जागृत नहीं हुई हैं, जिस वजह से आप महाशक्ति होते हुए भी बस एक छोटी बच्ची हैं। तारा शालिनी से पूछती है, मेरे अंदर की शक्तियां जागृत कैसे होंगी यामिनी दीदी? शालिनी तारा के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही एक औरत की कसकर चीखने की आवाज सुनाई देती है, आह! शालिनी उस आवाज को गौर से सुनते हुए खुद से कहती है, ये आवाज तो डायना की है, लगता है कोठी में फिर कुछ हुआ है, हमें कोठी में जाना चाहिए जल्दी। इतना कहकर शालिनी तारा का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाती है। जब वो कोठी में पहुंचती है तो देखती है कि हॉल में कोई नहीं था। युग और अभिमन्यु की बहस करने की आवाज सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे में सुनाई दे रही थी। जब शालिनी और तारा ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो आवाज रूम नंबर 666 से आ रही थी। जब वो दोनों रूम नंबर 666 में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर वर्चस्विनी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके आसपास करीब 15-20 पेजेस अस्त व्यस्त तरीके से बिखरे हुए थे, जैसे हवा के झोंके के कारण उड़ गए हो। अभिमन्यु और युग वर्चस्विनी के पास बैठे हुए थे और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। डायना वहीं पर पानी का गिलास ट्रे के साथ पकड़कर खड़ी हुई थी। डायना अभी भी कमरे के आसपास देखे जा रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वर्चस्विनी को बेहोश देख तारा तुरंत भागते हुए वर्चस्विनी के पास जाती है और उसे पकड़ते हुए कहती है, मम्मा मम्मा क्या हुआ? युग तारा को समझाते हुए कहता है, तारा बेटा आपकी मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, शायद उन्हें चक्कर आ गया होगा इसलिए वो बेहोश हो गई है बस। शालिनी तुरंत तारा को पकड़ते हुए वर्चस्विनी से दूर कर देती है ताकि वर्चस्विनी को हवा लग सके। अभिमन्यु डायना को देखते हुए चिढ़ते हुए कहता है, डायना तुम मूर्ति बनकर खड़ी क्या हो, कब से तुमसे पानी मांग रहा हूँ, लाओ दो। डायना तुरंत हड़बड़ाहट के साथ पानी का गिलास पकड़ती है और बिना कुछ बोले अभिमन्यु को देने लग जाती है।
पानी देते वक्त उसके हाथ इतने कपकपा रहे थे कि पानी गिलास में से छलकता है और सीधे वर्चस्विनी के चेहरे पर गिर जाता है। पर फिर भी उसे होश नहीं आता है। शालिनी डायना को देखते हुए मनी मन सोचती है, ये डायना इतना किससे डर रही है? डर रही है या सिर्फ डरने का नाटक कर रही है? अभिमन्यु वर्चस्विनी को देखते हुए कहता है, ये क्या, पानी पड़ने पर भी वर्चस्विनी जी को होश क्यों नहीं आ रहा है? ये बेहोशी हुई है या फिर कोई और बड़ी परेशानी है? डायना तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, वो बेहोशी हुई है, अभी शायद कुछ देर बाद होश आ जाए। हमें वर्चस्विनी मैम को दूसरे कमरे में ले जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसे कब तक वो बेहोश पड़ी रहेगी? अभिमन्यु और युग दोनों मिलकर वर्चस्विनी को पकड़ते हैं और रूम नंबर 666 के बगल वाले कमरे जो युग का था उसके बेड पर ले जाकर लिटा देते हैं। सब लोग वहीं पर थे और वर्चस्विनी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। शालिनी डायना से पूछती है, डायना मैंने तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी थी, वही आवाज सुनकर तो मैं और तारा ग्रेवयार्ड कोठी में आए थे, तुम जरा बताओगी तुम चीखी क्यों थी? डायना अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, अब वर्चस्विनी मैम को बेहोशी की हालत में देखूंगी तो चीखूंगी ही ना। शालिनी कुछ पूछती उससे पहले ही युग डायना से पूछ बैठता है, वर्चस्विनी जी बेहोश कैसे हुई? डायना बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब देती है, मुझे क्या पता युग की वर्चस्विनी मैम बेहोश कैसे हुई? शालिनी पूछती है, तुम उस वक्त कहाँ पर थी जब वर्चस्विनी जी? शालिनी अपना सवाल खत्म करती उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, मैं उनके लिए पानी लेने गई थी। वो क्या है ना, जब वर्चस्विनी मैम मुझसे सवाल पूछ रही थी तो उस वक्त उन्हें खांसी चालू हो गई। वो इतना खांस रही थी कि मुझसे सवाल ही नहीं पूछ पा रही थी, इसलिए मैं उनके लिए पानी लेने चली गई। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा वो बेहोश पड़ी हुई थी। उन्हें बेहोश देखकर मेरी खुद ब खुद चीख निकल गई। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना वो रूम नंबर 666 कुछ ठीक नहीं है, तुम वर्चस्विनी जी को उस कमरे में लेकर क्यों गई थी? डायना अपना पक्ष रखते हुए कहती है, मैं थोड़ी वर्चस्विनी मैम को उस कमरे में लेकर गई थी, बल्कि मैं तो बातचीत करने के लिए उन्हें युग वाले कमरे में लेकर आई थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, फिर वर्चस्विनी जी रूम नंबर 666 में कैसे पहुंच गई? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।